Hi everyone, I welcome you all to this next session. We are discussing FSA. In fact, this is the very first session. I will assume that your background in FSA is absolutely nil. आपको पहले से कुछ खास नहीं आता होगा या कुछ नहीं आता होगा, मैं ये assume करके चल रहा हूँ. Even then, I mean, I know for a fact that 80% of the folks come from a background जिन्होंने 11th, 12th, undergraduation या कहीं ना कहीं पे accountancy पढ़ी होगी. FSA is financial statement analysis. आप लोग जैसे accountancy बोलते थे, it's one and the same thing, no difference. The difference would come probably at a slightly later stages. जिसको आप accountancy कहते थे, accounts कहते थे, उसे यहाँ financial statements कह रहे हैं. Chartered accountancy में भी accounting है, वहां accounts बनाने का view point है. यहां अकाउंट्स बनाने का व्यू पॉइंट नहीं है, यहां मुनीम नहीं बनना है. मुनीम जी जो अकाउंट्स बना रहे हैं उसको एनालाइज करना है. तो आर इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट द अकाउंट्स, आर इंटेंशन इज नॉट इवन टू चेक वेदर द अकाउंटिंग इज डन करेक्टली और नॉट. आर इंटेंशन इज टू मेक सेंस ऑफ दोज अकाउंट्स एंड यूज इट फॉर आर पर्पसेस. वो यूज क्या हो सकता है? कुछ भी. आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, यूज क्या हो सकता है? आप पब्लिक मार्केट में इक्विटी रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं. व्यू क्या, मतलब यूज क्या हो सकता है? आपने दो स्टॉक्स एनालाइज किए, RIL वर्सेस ONGC, HDFC वर्सेस ICICI, बजाज फाइनेंस वर्सेस फिनसर्व, कोई भी दो नाम, इंफोसिस वर्सेस TCS, एंड यू माइट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ दीज शेयर्स. या फिर लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर, यू एनालाइज 20 कंपनीज आउट देयर, पिक 2 to 3 ऑफ देम, वन इन लार्ज कैप कैटेगरी, वन इन मिड कैप कैटेगरी, वन इन स्मॉल कैप कैटेगरी, एंड पिक अ कंपनी. ठीक है, ये मतलब सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में बोल रहा हूं तो ऐसा हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. जिसको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है. कुल मिला के आप अकाउंटिंग का क्या यूज कर सकते हैं? अगर आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आप मार्केट में 20 कंपनियां पकड़ेंगे, उनकी बुक्स को, उनके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे कि वो साल में क्या पैसा कमाते हैं, क्या लॉसेस करते हैं, क्या उनके वेल्थ है, इसको स्टडी करोगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए. मुझे जस्ट 2-4 मिनट दीजिए, आई विल लेट यू स्पीक, आई विल टेक योर डाउट्स, नॉट टू वरी वेंकटे. ठीक है ना? द अदर व्यू पॉइंट कैन बी, मान लीजिए आप बैंक हैं, ठीक है, लेट्स से यू आर वर्किंग इन HDFC बैंक एज अ क्रेडिट एनालिस्ट. आपके पास कोई बिजनेसमैन आया, उसने बोला कि मैं ये सो एंड सो प्रोजेक्ट लगाने वाला हूं, मुझे इसके लिए लोन चाहिए, क्या आप अभी भी इस बुक्स को एनालाइज करेंगे? बिल्कुल. पहले क्या सेंस था बुक्स को एनालाइज करने का? इक्विटी रिसर्च में ये देखना था कि क्या मैं इसका शेयर 10 रुपए का लूं तो क्या ये 50 रुपए का होगा क्या 2-4-5 साल में. अब क्या सेंस है बुक्स को एनालाइज करने का? कि क्या अगर मैं इस कंपनी को लोन दूं तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू चेक, तो क्या मेरे को रीपेमेंट्स आ जाएंगी मेरी, इज दिस कंपनी गुड इनफ टू रीपे मी माय इंटरेस्ट माय प्रिंसिपल अमाउंट, यस नो. मतलब मैं कुल मिला के ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये कंपनी क्या इतना कैश जनरेट करेगी कि अपनी EMIs भुगता पाए. सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जैसे एक रिसेंट केस बताता हूं, लाइव केस विच आई एम करेंटली डूइंग. मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, कॉल इट द Airbnb ऑफ न्यूजीलैंड. कंपनी का नाम नहीं बोल रहा, कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस, कॉल इट द Airbnb ऑफ न्यूजीलैंड. ठीक है, अब इन्होंने कहा हमें फंड रेज करना है, उन्होंने मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, बोला मुझे फंड रेज करना है तो आप इसकी वैल्यूएशन कर दो, आप इसके प्रोजेक्शन बना दो. प्रोजेक्शन बना दो मीनिंग की लास्ट ईयर 5 करोड़ की सेल थी, अगले साल 7 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी. चांद सितारे दिखाओ रिपोर्ट में, तभी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना. यहाँ 50 करोड़ हो जाएगा 4 साल में, हमारी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाएगी 3 साल में, क्या तुम यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे? ऐसा ही कुछ बोलेंगे ना वो रिपोर्ट्स. तो अभी क्या होता है ग्राउंड पे उसको छोड़ो, बट आइडियली ऐसा ही कुछ बोलना चाहिए, तभी इन्वेस्टर आएगा ना. अच्छा, और प्रमोटर बोलता भी यही होगा, नेक्स्ट यूनिकॉर्न यही है. प्रमोटर आए बोले ना पता नहीं यार चलेगा कि नहीं, कौन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है इसकी, नहीं आपको कुछ भी लग रहा हो आप आके क्या बोलोगे, यूनिकॉर्न है, यही है, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, है ना. करेंट बिग थिंग छोड़ो, नेक्स्ट बिग थिंग पकड़ो, ऐसा ही कुछ होगा ना.
अब मुझे बोला गया कि इसकी वैल्यूएशन कर लेते। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो वैल्यूएशन चालू हो गई, मैं डायरेक्टली कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा था, आई वॉज वर्किंग विद अ कंसल्टेंट। एक कंसल्टिंग फर्म थी, लेट से कोई सी ए फर्म, कोई सीपीए फर्म, या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बुटीक एडवाइजरी फर्म थी जो न्यूजीलैंड बैठी थी। जो जो फर्म वहां बैठी थी उनका के आर ए, उनका व्हाट डू यू कॉल, उनकी स्ट्रेंथ थी कि उनका इंडस्ट्री में कनेक्ट बहुत अच्छा है, दे नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट दे डोंट नो द वर्क, बनाएंगे कैसे वो नहीं आता था। आई लव सच पीपल, कनेक्शंस है, काम आ जाएगा, कर तो हम देंगे, और क्या कर रहे हैं इतने सालों से। तो सच पीपल बिकम माई क्लाइंट्स, यू डोंट नो द वर्क, ग्रेट, इससे ज्यादा अच्छी बात आप मुझे बता नहीं सकते थे। अब आगे का काम मैं देख लूंगा। उन्होंने क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिया, अकाउंट्स लिया, अकाउंट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट, क्या साल में कमाते हैं वो ले लिया, उनकी वेल्थ का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वो ले लिया, और जब ये लेके हमारे पास आ गए तो बोला इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। एक आध मीटिंग वीटिंग हुई कि कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, दिस दैट, उसके ऊपर कंपनी क्या फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी, उसके हिसाब से कुछ वैल्यूएशन बनानी थी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये कंपनी का जो धंधा था वो सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट डू यू कॉल इंटरप्राइज में नहीं हो रहा था। मतलब जो लीगल बॉडी बना रखी थी उन्होंने, वो एक कंपनी नहीं थी, इट वाज वन कंपनी, इट हैड टू सब्सिडरीज, और दोनों में अलग अलग सेल हो रही थी। तो वेलिंगटन में अलग हो रही थी, क्राइस्ट चर्च में अलग हो रही थी, क्राइस्ट चर्च और मेलबर्न एक में हो रहा था, वेलिंगटन अलग था। फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, फॉर सम रेगुलेटरी रीजंस, दे हैड नॉट क्रिएटेड वन कंपनी, दे हैड क्रिएटेड टू कंपनीज। हाँ इतनी बात समझ आती है? 100 रुपए की सेल कट रही है तो 100 रुपए की सेल एक कंपनी नहीं काट रही है, एक में 70 की सेल कटती है, एक में 30 की सेल कटती है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज व्हाट वी मीन। एक और चैलेंज था, दोनों के अकाउंटेंट अलग अलग थे। अकाउंटेंट अलग अलग होने से, और छोटी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म नहीं है, इनके टोटल क्या 80-100 लोकेशन थे, दैट्स इट। 80-100 लोकेशन इज नॉट बिग। ओयो के इंडिया में कितने व्हाट डू कॉल आउटलेट्स, नहीं बोलना चाहिए, ओयो की टोटल इंडिया में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, इन नॉर्थ ऑफ 10,000 होंगी ना, 10,000 प्रॉपर्टीज। तो इनकी 100-150 प्रॉपर्टीज थी, तो वेरी स्मॉल फर्म इन इन दैट कंपैरिजन। तो इन्होंने दो अकाउंटेंट रखे अलग अलग कंपनी में, और उसके बाद जो रेवेन्यू बुक करते हैं, जैसे आप आए, आपसे बोला गया कि हाँ जी $200 एक दिन का रेंट है, तो $200 जो ले रहे हैं उसमें से $150 तो आपको स्टे करने के लिए जो दिया है वो है, आपको स्टेइंग के पैसे लिए हैं, बाकी $50 इज कंज्यूमेबल्स। दिस कंज्यूमेबल्स इंक्लूड्स आप जो इंटरनेट यूज करेंगे, वो जो बेडिंग शीट्स लगी होंगी वहां पे, रजाई देंगे आपको, तौलिए देंगे, दिस दैट, टॉयलेटरीज दी होंगी, टूथपेस्ट, ये वो फलान ढिमकान, सारी की सारी की। तो उसकी बिलिंग अलग करते थे, दिस वॉज कंपनी वन। कंपनी टू वुड चार्ज $200 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एज रेवेन्यू। ये बात समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूं? अब अगर मुझे बोला जाए कि टोटल रेवेन्यू क्या है, मैं बोलूं 200 और 200, 400, तो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि जो टॉयलेटरीज यूज हो रही है वो तो एज इज बेसिस पे है, मतलब जितना खर्चा हो रहा है उतने चार्ज कर रहे हो ना आप उससे, इसको तो रेवेन्यू नहीं काउंट करना चाहिए। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? जो पहला वाला पार्ट था, रेवेन्यू कहां बुक करें, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। जनरली कौन कर रहा है वो काम? अकाउंटेंट्स, सीएस, सीपीएस ऑफ द वर्ल्ड। जो दूसरा वाला काम है, ये एनालाइज करना कि भाई दोनों के दोनों कह तो रेवेन्यू ही रहे, लेकिन दोनों में रेवेन्यू का मतलब अलग अलग है, जो दोनों से करेक्ट मीनिंग है वो निकाल के ट्रू रेवेन्यू के बेसिस पे एनालिसिस करो। ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है एनालिस्ट। ये मतलब लॉन्ग टर्म में, इफ वी आर एमिंग टू बी सीएफएस, दिस इज व्हाट वी आर एमिंग टू डू, वी आर नॉट एमिंग टू साइन ऑफ अ बैलेंस शीट। दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, वॉट एवर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये तो पढ़ा होगा 11th 12th में, जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, दे में आंसर। व्हाट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या किस चीज को कहते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स?
In fact, even before I proceed, let me just pause the recording for a sec. Take the doubts of the person who had raised his hand. Just one second. Shifting back to our discussion on the components of financial statements. क्या क्या आता है financial statements में? Income statement नहीं बोलेगा कोई? Income statement, balance sheet और cash flow statement. और कुछ? ये तो CA वाला आंसर आ गया. Statement of changes. CA का background है? CA. अच्छा CA है. Okay, great. Statement of changes in equity. What? What else? Notes to account. तो पांच चीजें आ रही हैं. There are five components. Income statement, balance sheet, CFS, statement of changes in equity and notes to accounts. अभी के लिए ये दो को पार्क कर देते हैं. At this point of time, I won't be able to make you understand what these two mean, what the last two mean. अभी के लिए stick करते हैं तीन चीजों पे. Income statement, balance sheet और cash flow statement. बोलिए बोलिए. Profit and loss account. Income statement ही profit and loss account है दोस्त. टीएस गरेवाल पीएनएल अकाउंट बोल देता था बस. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. द अदर साइड इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड देन यू हैव नोट्स टू अकाउंट्स. बट ये अभी के लिए पार्क्ड. नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग रिलेवेंट टू दिस. फॉर योर सिलेबस, इनकम स्टेटमेंट is a testable topic, balance sheet is a testable topic, CFS is a testable topic. Sir, what do you mean when you say it's a testable topic? They are categorically marked topics. मतलब इससे, मतलब ये अलग से chapter बनाया हुआ है आपके syllabus में, इससे questions पूछेंगे, वो answer आपको करना होगा. There is something which is, मतलब which is not categorized in testable category and which I think is the most important piece. I think what your syllabus discuss, what the viewpoint or the lens in which the syllabus will discuss things in income statement is something on these lines. वो बोलते हैं revenue recognition क्या होगा, बोलते हैं depreciation का expense कैसे charge करना है. They talk about cash flow statement में IFRS में क्या treatment है, US GAAP में क्या treatment है. All these things are operating at a different level. We won't be able to make an iota of sense of any of it. अगर अपने को बेसिक्स ही नहीं समझ आ रहे हैं तो. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन ब्लडी गुड प्रोफेशनल्स बाय देयर सीवी, ऑन देयर सीवी दे वुड बी ब्लडी गुड प्रोफेशनल्स, बट व्हेन आई एम टॉकिंग बेसिक्स, थिंग्स गो फॉर अ टॉस. मैंने ये बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया अपने करियर में. दैट्स व्हाई आई डोंट एज्यूम कि ये चीजें सबको समझ आती होंगी. पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम कंप्लीटेड सीएज या जिनका आईपीसीसी क्लियर हो गया या उसकी पूरी पढ़ाई कर ली, their background would be very decent in FSA. उनको logical चीजें काफी हद तक अच्छे से समझ आती होंगी, but जिनका background ऐसा है कि जिन्होंने CA type की कोई पढ़ाई नहीं कर रखी, या फिर जिन्होंने BCom किया, BBA किया, या सिर्फ 11, 12 में BCom में accounts वगैरह पढ़ा हुआ है, वो तो बहुत ही ज्यादा compromised है. We don't really understand the true working in accountancy, how it works. It's a very sorry state of affairs, but that's the way it is. नेक्स्ट, तीन सब्जेक्ट्स. तीन क्या, दो सब्जेक्ट्स बोलने चाहिए रादर. एफएसए एंड इक्विटी. अगर आप लोग सीएफए कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू 90% ऑफ यू विल प्रोबेबली मेक अ करियर इन अ डोमेन जहां पे ये दो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट्स होंगे आपके. देर आर अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स दैट आई टेक इन एफएसए इन इक्विटी लेवल 2, जहां पे मैं बोलता हूं कि मैंने अपने करियर में जितना काम किया है फंडामेंटली मैं वो सारा पढ़ा देता हूं उन चार क्लासेस में, उन तीन से चार क्लासेस में 90% ऑफ दैट इज कवर्ड. ऑब्वियसली न्यूएंसेस तो चेंज होते रहते हैं. आई वाज इन वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट ऑल माय लाइफ. तो अगर मैं वैल्यूएशन की ओवरऑल डोमेन की बात करूं तो वो एक चीज हो गई. बट अगर मैं बोलूं वैल्यूएशन ऑफ अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल टाइप की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लूं, अगर एक क्लिनिक लूं जहां पे चार डॉक्टर्स बैठे हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करूं, तो ये सारे के सारे है तो हेल्थ कैटेगरी में, रेनबैक्सी बीइंग वन. ठीक है, वो रेनबैक्सी क्या हुआ, दवाइयों का मैन्युफैक्चरर. फोर्टिस क्या हुआ, हेल्थ केयर में ही ऑपरेट कर रहा है, बट इट इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी विच इज लेट्स से
two, three people clinic, husband, wife. Husband is a, let's say, an orthopedic. Wife is, let's say, ophthalmologist. और ये दोनों ने मिलके क्लिनिक खोल लिया, इसकी भी वैल्यूएशन तो होती होगी ना, इनके भी धंधे में कुछ तो डायनेमिक्स होंगे ना, जिससे ये अगर चाहे तो उसमें इक्विटी रेज कर सकते होंगे। ये तीन सेम सेक्टर के बिजनेस है, तीनों हेल्थ केयर में थे ना, तीनों ने कोविड के टाइम पे तोड़ के पैसा कमाया हुआ ना, सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब तीनों का बिजनेस का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक साथ आएगा, ये तो मानते हैं ना। मतलब लेट्स नॉट बी जजमेंटल कि कोविड के टाइम पे पैसे की सोच रहे। I had a word with a client. I'm not kidding. I had a word with a client who is a hedge fund in US 2 days back. She said that my worldview is that in next 5 months we'll be entering Great Depression. There is a very good chance of of a World War III starting. That's her viewpoint. ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, मुझे लगता भी नहीं ऐसा। वो उसको लग रहा था। उसने कहा कि if that is my worldview, can you build out a strategy for me that if I invest, let's say, $40 million in you and your strategy, I will turn out to be a billionaire. I want to make money out of China invading Taiwan. Okay, उसको judge करने लग जाऊँ मैं कि कैसा बोल रही है ये ये वॉर की बात कर रही है और उससे पैसा कमाना चाहिए। It's professional. At the end of the day, what do you think? What did people do in 2008 crisis? People made truckload of money. ठीक है, बहुत लोग बर्बाद हुए, बट देन अ लॉट ऑफ पीपल मेड ट्रक लोड ऑफ मनी। वो पैसा कहाँ से आ रहा था? इसका पैसा उसके पास ही तो जा रहा था। लेट्स नॉट बी जजमेंटल, ठीक है ना? तो कोई भी चीज हो, हर चीज में एट द एंड ऑफ द डे, मान लो रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हो, अगर मुझे आज पता हो कि कल सुबह पुतिन वो दो बटन दबाएगा, ठीक है ना, तो मैं आज क्या करना चाहूंगा? अभी मैं जाके उसको तो समझा नहीं सकता, दोस्त गलत काम कर रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा, नहीं समझा सकता ना उसको। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन अ क्लास वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक सेंस ऑफ मनी। मैं चाह के भी उसको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। अब वापस आते हैं जिस डिस्कशन पे था। मैंने ये कहा कि मैंने आपको हेल्थ केयर के तीन सेगमेंट के बारे में बताया, एक क्लिनिक, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और तीसरा क्या था, ड्रग मैन्युफैक्चरर। या ये तीनों की वैल्यूएशन या ये तीनों का, इवन दो ब्रॉड बिजनेस कैटेगरी सेम है, ब्रॉडली ये तीनों सेम टाइम पे अच्छे करने चाहिए, बट ये तीनों की एनालिसिस के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे या जो स्पेसिफिक चीजें हर केस में मुझे चेक करनी पड़ती होंगी, वो अलग अलग होगा ना। एक दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कब बहुत अच्छा करने लग जाएगी? जब उसके लाइसेंस को एफडीए अप्रूवल मिल जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर लेट्स से एक हॉस्पिटल चेन कब अच्छा करने लगेगी? फोर्टिस कब अच्छा करेगा? फोर्टिस को अच्छा करने के लिए, फोर्टिस को अपना बिजनेस इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता होगा? अच्छा, फोर्टिस में सेल्स के बंदे होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, दे वुड बी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम इन देयर एज वेल। वो क्या चीज टारगेट करते होंगे? दे वुड वांट टू हैव बेटर ब्रांडेड डॉक्टर्स अवेलेबल, दे वुड वांट टू कीप देयर सोशल मीडिया गेम अप देयर। व्हाट एल्स? मेडिकल टूरिज्म पे ध्यान देते होंगे, ये बात करते होंगे यहाँ अरब कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कि अपने पेशेंट्स को यहाँ भेज दो और उनको कमीशन देते होंगे, उनको समझाते होंगे ना, तुम्हारे यहाँ तुम ऑपरेशन करके कितना पैसा कमाओगे? अरे 2 लाख। अरे काम करो, हम 2.25 देंगे, हमारे यहाँ भेजो, या हम 1 लाख रुपए देंगे, तुम ऑपरेशन ही मत करो, तुम यहाँ भेज दो। पेशेंट को समझाओ कि इंडिया हैज वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटीज, यू सेंड अक्रॉस पीपल। गुड़गांव में जाइए, यू गो टू अ फोर्टिस, यू गो टू अ मैक्स, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू नॉट फाइंड अ फैमिली फ्रॉम अफ्रीका और फ्रॉम मिडल ईस्ट, हो ही नहीं सकता। इन जगहों के आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स खुले होंगे, पीजीज खुले होंगे, जहां आके 6-6 महीने के लिए रुकते हैं बेचारे। किसी को किडनी का इशू है, उनको पता है पेशेंट यहीं 3 महीना रहेगा, 2 केयर टेकर आए साथ में, रुके हुए यहीं पर। There's a whole industry working in that manner, correct? But मैं बोल रहा हूँ, even though ये same what do you call broad sector same है, फिर भी अगर आप individually analyze करोगे तो इन सब का growth, इन सब का revenue, इन सब की cost शायद अलग अलग जगहों पे जाती होगी। ये काम है financial statement analysis वाले का, accounting शायद similar हो जाएगी,
अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा, अकाउंटिंग में एक्सपेंस के हेड और दूसरी चीजें वो मोर ऑपरेशनल इन नेचर होगा, बट अगर आप एनालिसिस की बात करोगे तो नहीं, दैट कैन नॉट बी ऑपरेशनल। ठीक है, आइए तीन चीजों की बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का डिस्कशन करूं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिक करूं, ये पांच सेगमेंट्स हैं, इसमें अगर इन तीन पे फोकस करूं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों क्या रिफ्लेक्ट करते हैं एक बार देखिएगा। फॉर दोज ऑफ अस हु हैव चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, यू विल फाइंड दिस लेक्चर मंडेन, इजी सिंपल ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो सब मैं जानता हूं, बट स्टिल द डिस्कशन विल गो इन दैट फॉर्मेट ओनली, बिकॉज व्हेन वी हैव अ सिमिलर क्वांट्स लेक्चर तो आपको एबीसीडी की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, समवन एल्स वुड हैव अ स्टैटिस्टिक्स और एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, उनको वो सब आता होगा। तो एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम इन द डिस्कशन आपको ये लग सकता है कि यार ये पीस आता है मुझे या ये पीस अनइंटरेस्टिंग है, छोड़ देते हैं या ठीक है खुद हो जाएगा दिस दैट। माय रिकमेंडेशन ऐसा मत करिए, बिकॉज द लेवल ऑफ डिस्कशन सडनली टेक्स अ डिफरेंट टर्न, जनरली धीरे धीरे ईजी होता रहेगा, वी स्टार्ट विद अ ब्रेड बटर एंड देन इट गोज टू अ क्लब सैंडविच, बहुत सारे उस पे दूसरे न्यूएंसेस ऐड होते जाएंगे धीरे धीरे, तो इट वुड ऑलवेज बी एडवाइजेबल टू गो थ्रू द कंप्लीट पीस, बट इन केस मतलब कोई पीस ऐसा है जिसमें 100% क्लैरिटी है आपको और आप उस पे जल्दी मूव कर जाएं, प्रोग्रेस कर जाएं और सीधा बुक से पढ़ के काम चला लें, तो दैट परफेक्टली वर्क्स, दैट दैट डिस्क्रिप्शन इज टू द कैंडिडेट वन सेल्फ। देखना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक कैंडिडेट पूछ रहे थे P&L अकाउंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। ओके, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है अपने पास्ट में दैट P&L इज फॉर द पीरियड एंड बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हाँ yes. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता ना, यू कैनॉट क्रिएट अ बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर, सॉरी यू कैनॉट क्रिएट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। प्रैक्टिकली इनकम स्टेटमेंट इज अ सिंगल व्हीकल जिससे आपको एक धंधे ने क्या पैसा कमाया और क्या गंवाया एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो जज करने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर मेरा जूतों का कारोबार है, मैं आई लेट से जस्ट लेट से इफ आई जस्ट बाय गुड्स वर्थ ₹10,000, 10,000 के जूते खरीदे, ₹12,000 का बेच दिया, तो ₹2,000 मेरा प्रॉफिट है। यस, ये सिंगल स्टेटमेंट जो मैंने बनाया, दिस इज माय इनकम स्टेटमेंट, यस नो, ये जो सिंपल छोटी सी पर्ची बनाई है मैंने कि 10,000 का माल खरीदा, 12,000 का बेचा, ₹2,000 कमाए, ये क्या है? ये इनकम स्टेटमेंट है, करेक्ट? मान लीजिए ये 1 जनवरी को काम शुरू किया था, 31 दिसंबर को काम खत्म किया, ये साल भर में ₹2,000 कमाए, यस नो? साल के एंड में मेरे हाथ में क्या बचा या मेरे हाथ में क्या एसेट्स होंगे या क्या लेनदारी देनदारी जो भी बचेगा, जो भी वेल्थ बचेगी मेरे हाथ में, दैट पीस इज रिकॉर्डेड इन समथिंग कॉल्ड अ बैलेंस शीट। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डेफिनेशन पीस ऑफ इट बिकॉज दैट डज नॉट रियली मैटर, आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा डिफाइन इनकम स्टेटमेंट 3 नंबर, नॉट गोइंग टू हैपन। We'll stick to matlab discuss, we'll stick to discussing things in such a manner such that we understand it. We don't really need to go into the definition part or the points format, wo sab nahi janna apne ko. Saal ke ant mein aapke paas kya wealth bach rahi hai, iska statement is balance sheet. Aapne jab 10,000 rupaye se dhanda start kiya, aapne jab 10,000 rupaye se dhanda start kiya, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अपने फंड्स लगाए ₹10,000 के, यस नो? सो
सोर्सेस क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग माई लागत, माई इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. करेक्ट, यू आर विथ मी टिल दिस पॉइंट. सोर्सेज आर शोइंग द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस. तो मैंने 10,000 रुपए अपने खुद के लगाए बिजनेस में. मान लीजिए 10,000 रुपए का मैंने इन्वेंट्री स्टॉक परचेज कर लिया, 500 रुपए या 1,000 रुपए का एक जूता आता था, 10 जूते परचेज कर लिए. मेरा फुटवेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैंने 10 शूज परचेज कर लिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. मैंने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाले, चांदनी चौक गया, वहां से 1,000 रुपए का एक पेयर आता था, 10 जूते खरीदे. 10,000 रुपए का स्टॉक खरीद के मैंने अपनी शॉप में भर लिया. दैट्स इट, दिस इज माय बिजनेस. माय एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज इन द इन्वेंटरी ऑफ 10K, यस और नो? यस और नो? ठीक है, यहां तक के तो कोई चैलेंज नहीं है. सोर्सेज मतलब पैसा कहां से लेके आया हूं, एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां लगाया है मैंने. आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? दिस इज पॉइंट नंबर वन. दस हजार का स्टॉक बेच दिया बारह हजार रुपए का. हाउ विल माई वेल्थ स्टेटमेंट लुक लाइक? मेरे पास वेल्थ कितने की होगी इस पॉइंट पे? मेरे पास वेल्थ कितने की होगी इस पॉइंट पे? मैंने 10,000 का स्टॉक था मेरे पास, मैंने उसको बेच दिया, मेरे पास 12,000 आए. मेरे पास वेल्थ कितनी होगी बेचने के बाद? 12,000. मैंने 10,000 वाला स्टॉक बेच दिया. इन्वेंट्री 10K की थी, ये 10K की इन्वेंट्री बेच दी. दिस इज निल. यस नो? मेरे पास कैश आ गया 12,000 रुपए का. वी गुड टिल दिस पॉइंट, राइट? अब व्हाट शुड हैपन टू द सोर्सेस साइड? सोर्सेज में क्या करना चाहिए? छोड़ो, मतलब जस्ट आंसर लॉजिकली, जस्ट टेल मी व्हाट शुड हैपन ऑन सोर्सेज साइड. 10,000 का सामान 12,000 का बेचा, इसमें 2,000 रुपए ये इन्वेस्टर के. दिस 2,000 रुपीज विल गो टू The investor only. So at the end of first year, ये wealth statement था 1 January पे. ये wealth statement है 31/12 पे. This wealth statement should show own funds of 12K. Yes, no. This has two components. 10K invested amount था और 2,000 रुपए earned amount है. ठीक है, करेक्ट, ओके. मान लो 31 December को ही, 31 December को ही द प्रमोटर डिसाइड्स टू purchase a laptop worth ₹7,000. What will happen in this case? ये worth ₹2,000. ये जो 2,000 रुपए कमाए थे, उसने सोचा 2,000 का लैपटॉप ले लेते हैं. 2,000 रुपए का लैपटॉप ले लेते हैं, धंधे में जरूरत होती है, अभी हाथ से पर्चियां बनाते हैं, doesn't work. Let me buy an asset for the business. Let me invest this funds back into the business. How will my wealth statement look like? How will my wealth statement look like? ये 2,000 रुपए मैंने लगा दिए लैपटॉप खरीदने में, तो own funds, inventory वैसे ही निल हो गई थी. कैश था 12,000 रुपए का, ये भी था 12,000 रुपए का. दिस इज द स्टेटमेंट बिफोर परचेजिंग. अब अगर मैंने ये 2,000 रुपए लगा दिए, 2,000 रुपए अगर मैंने खर्च कर दिए,
लैपटॉप खरीदने में, तो आई शुड डिक्रीज 2K फ्रॉम हेयर एंड 2K फ्रॉम हेयर, यस नो? यस नो? नो? हाउ मेनी ऑफ अस से यस? अरे जस्ट बिकॉज 3-4 पीपल आर सेइंग नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. वी बी इन दिस क्लास फॉर 10-20 डेज, आपको समझ आ जाएगा. जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ए इज द आंसर, डजंट मीन ए इज द आंसर. इट जस्ट मीन्स वन थिंग, कि वो सारे के सारे शायद सेम मिस्टेक कर रहे हो. दे माइट बी राइट एज वेल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत ही होंगे, बट ऐसा कुछ रीजन नहीं है जस्ट बिकॉज चार लोगों ने बोला नो तो द आंसर इज नो. इफ आई एम परचेसिंग अ लैपटॉप वर्थ ₹2000, तो मैं अपने फंड में से 2000 निकाल रहा हूँ और कैश 2000 चले गया, ये करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों लेकिन ऐसा क्यों ऐसा? हाँ सर आप पैसा दे लो, कुछ लोग हैं ना उससे लैपटॉप आया बिजनेस के अंदर, वी हैव टू शो इन दैट बैलेंस शीट. ओके चलो फेयर है ना, फेयर है ना. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट डे पर, लेट्स से ऑन 31st of December, इफ इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लैपटॉप आई वुड हैव डन अ, लेट्स से वाइट वॉश इन द प्रीमाइसेस वेयर आई एम, तब क्या करते? तो इनकम स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट पे करने आता हूं इनकम स्टेटमेंट. हां बिकॉज़ वी थिंक इट दैट वे, कि वो इनकम स्टेटमेंट एंड ये वो, ऐसा है नहीं ना, वो ऐसा हो नहीं रहा है. सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो केसेस लेते हैं. चलो टेक केस 3A, मतलब फंडम जो एज पर बुक तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं, बट द बेटर आंसर वुड हैव बीन कि आप बोलते फिर वो करते जो अभी आपने किया हुआ, देन दिस वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन. सुनना 3A, मान लीजिए वाइट वॉश करवाया मैंने ₹2000 का, 2000 रुपए का वाइट वॉश किया, 2000 रुपए का वाइट वॉश कराया, मेरे को प्रॉफिट हो गया था 2000 रुपए का, अब मैंने 2000 का वाइट वॉश करा दिया 31 दिसंबर पे, अब मेरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड, हाउ शुड माय वेल्थ स्टेटमेंट लुक लाइक? वेल्थ स्टेटमेंट लुक्स वेरी सिंपल, आपने कैश दिया होगा 2000 रुपए, तो कैश तो कम हो गया, इसके बदले आया क्या? मतलब इफ यू आर पेइंग समथिंग यू वुड हैव रिसीव्ड समथिंग इन रिटर्न, यही बोला ना भाई साहब, है ना, यू पेड समथिंग यू गॉट समथिंग इन रिटर्न. यस वी पेड 2000 रुपीज, वी गॉट समथिंग इन रिटर्न, वी डिड नॉट गेट अ टेंजिबल एसेट, हमें कुछ दिखने में कोई वस्तु नहीं मिल रही थी, हमने बोला हाँ ये इसको पेंट करके चले जा भाई, 2000 रुपए पेंट के लगा दिए. वॉट विल हैपन इज दैट, हमने जो 12000 रुपए जो हमारे खुद के पैसे थे, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक था इन्वेस्टेड अमाउंट 10000 रुपए और अर्नड अमाउंट. ये अर्नड अमाउंट कहां से आ रहा था? ये आ रहा था रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस था ये, यही हुआ ना, जो जो बचत है वो मेरी. तो मैंने 12000 का माल बेचा था, 10000 रुपए की कॉस्ट आई थी, तो 2000 रुपए मेरे थे, तो 10 और 2 12000, ये आ रहा था ना, यस नो? अब क्या हुआ है, जो 2000 कमाए थे इस पे और 2000 का खर्चा हो गया, बिकॉज दिस वॉज सेल, दिस वॉज परचेज, दिस इज अदर एक्सपेंसिस, 2000 रुपीज. आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ये हो गया निल. तो प्रैक्टिकली अगर मेरे को कोई बोले ओन्ड फंड्स, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपने धंधा स्टार्ट किससे किया था, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, और दूसरा वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपने साल में अर्निंग क्या की है, और ये अर्निंग क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, रिवेन्यू मतलब सेल्स लेस परचेजेस लेस अदर एक्सपेंसेस, या ऐसा बोलना चाहिए ना, ऑल इनकम लेस ऑल एक्सपेंसेस, ये आ गया प्रॉफिट, यस नो? यू विथ मी टिल दिस पॉइंट, करेक्ट? तो मैंने 2000 रुपए जो खर्चे, मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या किया, आई सेड ओके दिस 2000 रुपीज इज गॉन फ्रॉम माई पॉकेट, दिस 2000 रुपीज इज गॉन फ्रॉम माई पॉकेट, तो कैश डिक्रीज हो गया, एप्लीकेशन है ना वो, मेरे पास गल्ले में 12000 पड़े थे, तो वॉट एवर फंड आई हैड दैट वॉज अप्लाइड इन कैश ओनली, मेरे पास 12000 रुपए का कैश पड़ा हुआ था, उसमें से 2000 मैंने दे दिए. इसके बदले अगर ऐसा होता कि मेरा माल कुछ नहीं बिका रहता,
मेरे पास 10,000 का माल पड़ा रहता और मैं किसी को बोलता व्हाइट वॉश कर ले और दो जूते ले जाइए, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना. आई वुड हैव माय फंड्स वर अप्लाइड इन फुटवेयर, आई पेड इट टू समवन, दिस वाज अ पॉसिबिलिटी और नॉट? आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? श्योर, जस्ट डोंट से अ यस फॉर द सेक ऑफ सेइंग अ यस. विथ मी टिल दिस पॉइंट, करेक्ट? 2,000 रुपए हमने खर्च दिए, कौन से? जो गले में पड़े हुए थे. तो माय आई हैड अप्लाइड माय फंड्स इन दैट 12,000 रुपीज, आई पेड आउट 2,000 फ्रॉम दैट. मेरे पास 10,000 रुपए कैश बच गया गले में. विथ मी टिल दिस पॉइंट? अब ये तो हो गया एप्लीकेशन. सोर्सेस क्या होगा? मैंने पैसे लाए कहां से थे? खुद के 10,000 रुपए लाए थे, 10 का माल 12 में बेचा था, तो मेरे धंधे में लगे हुए कितने फंड्स थे? 12,000. अब मैंने 2,000 रुपए का वापस काम करवा लिया, तो वापस मेरी धंधे की लागत 10,000 हो गई. तो माई सोर्सेज आर 10,000, माई एप्लीकेशन इज 10,000. दिस स्टेटमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन क्लास 11, 12, यू यूज्ड टू कॉल दिस स्टेटमेंट एज बैलेंस शीट, बिकॉज द सोर्सेज साइड एंड द एप्लीकेशन साइड बैलेंसेज आउट, है ना? वो बैलेंस आउट करता है, बट देयर इज अ लॉजिक ना, क्यों बैलेंस आउट करेगा? बिकॉज जितना पैसा आप लेके आए हो, जब वो आप धंधे में लगाओगे तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे. मान लो 10,000 रुपए मैंने धंधे में लगाया, 4,000 का लैंड खरीद लिया, 3,000 रुपए का प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीद लिया, 1,000 रुपए के मैंने फर्नीचर खरीद लिया, जो बैलेंस 2,000 है इसका कुछ नहीं किया, ये पड़ा हुआ है फालतू, तो दैट पीस इज कैश. यस नो? दैट्स व्हाई इट बैलेंसेस आउट. इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस क्यों बैलेंस आउट कर रहा है. सही कह रहा हूं ना मैं? ओके, लेट्स गो बैक टू दिस पीस. Just one sec. ये वाइट वॉश तो डिस्कस कर लिया. अब लैपटॉप के केस में क्या होगा? अगर मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया, व्हाट विल हैपन? आई हैव अप्लाइड कैश, दैट इज फाइन. मैंने 2,000 रुपए दे दिए होंगे. शुड आई डिडक्ट 10K प्लस 2K माइनस 2K? Should I deduct it from here? नहीं. You can sir on funds like जो capital लेके आते हैं उसके अंदर दो चीजें होती है, वो fund cash भी जा सकता है या asset भी ले जा सकता है. नहीं, अभी अभी ये बताओ, मैंने 2,000 का लैपटॉप खरीदा, मैं यहाँ से 2,000 माइनस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? इसके बाद या maybe करना पड़ेगा क्या? Asset add करना पड़ेगा on funds के अंदर, तो आप कर सकते हो 2,000 less कर दो cash. नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है. सुनो, सुनना. फंडामेंटली स्पीकिंग, मैंने 2,000 रुपए दिए और लैपटॉप परचेज कर लिया. वुड आई वॉन्ट टू, ये खर्चा ही है ना, ये 2,000 रुपए का खर्चा ही है. आई वुड आइडियली वॉन्ट टू डिडक्ट 2,000 फ्रॉम कैश, जस्ट लाइक आई डिड अर्लियर. आई वुड वॉन्ट टू डिडक्ट 2,000 ऑफ माई ओन फंड एज वेल, बिकॉज ये तो चले गए 2,000 रुपए. देयर इज जस्ट वन कैच इन इट. क्या फर्क हो? आपने जब व्हाइट वॉश कराया तो उसको आप अभी तक की अपनी अकाउंटिंग में एक्सपेंस बोलते आए थे, तो आप बोलते थे एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, और इसको बोलते थे एसेट, तो आप बोलते थे इसको ना एसेट है तो इसको लैपटॉप बोल के 2,000 रुपीज ऐड कर दो, ये बोलते थे. बट अल्टीमेटली यू डिड इट बिकॉज यू न्यू ऑफ अ रूल की ठीक है इसको ऐड कर देते. आई एम सेइंग एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट टू टेक दिस 2,000 रुपीज इन एक्सपेंसेज ओनली. It's just that this laptop ka kharcha, this laptop is going to provide you the services for next 4 years. So instead of deducting 2,000 in one go, you would want ki aap har saal 500-500 kharcha gino, kyunki wo 2,000 rupay ek saal ka kharcha nahi hai, ek tarike se wo agle 4 saal ka kharcha hai. Yes, no. Ideally, aapne aaj laptop kharida. Ye agar whitewash hai, to this is a short-term kharcha. This is a short-term kharcha, to you book the expense in one go. In case of laptop as well, you want to book the expenses in one go only. But you understand the fact ki ye jo 2000 ka laptop liya hai na, ye agle 4 saal benefit karega mereko. This projector has a lifespan of n number of hours. Maan lo ye 10,000 ghante chalega. Aur mujhe pata hai, ek saal mein main 2,500 ghante chalata hu. To agar maine 10,000 ka laptop liya, sorry, 10,000 ka projector liya, to mujhe pata hai ki meri 1 ghante ki cost 1 rupaye ki hai. इस साल मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन
मेरे को अगले 3 साल में कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आई स्पेंट दिस 10,000 रुपीज फॉर 4 ईयर्स, तो इन अ वे आई शुड बुक एन एक्सपेंस ऑफ 2,500 पर एनम. तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस. That is giving out the correct information. It's an altogether different thing that we have learned the same thing by the sense that we will book a laptop asset for ₹2,000 and then we will book depreciation 4 times as ₹500. But at the end of the day, what I'm trying to say is that if there is anything, if there is any cash outflow, it can be in two forms. If I'm just talking about the application, it can be in two forms. As such, it can be in three forms. I'm ignoring the third one as of now. It can be in only two forms. क्या मेरे को धंधा बढ़ाना है अपना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं या तो एक्सपेंस कर सकता हूँ या तो मैं एसेट खरीद सकता हूँ. मैंने 10,000 रुपए का स्टॉक लिया, उसको उठा के बेच दिया 12,000 में. दिस इज फर्स्ट ईयर रेवेन्यू. सेकेंड ईयर में अगर मेरे को इस धंधे को एक्सपेंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? Start doing some promotional activities. I'll hire more employees, sales folks. Yes, no. And then this is the expense side. ये मैं एक बार में खर्चा, मतलब मैंने किसी को हायर किया, मैंने बोला ओके मेरे को गूगल पे एड चलानी है अपनी, तो गूगल की एड्स आर फॉर दिस मंथ, गूगल की एड्स आर फॉर दिस वीक. तो यहाँ पे मुझे ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रही है, वो इसी पीरियड का बेनिफिट हो रहा है, तो इसी पीरियड का बेनिफिट इसी पीरियड की कॉस्ट. That is why I am just deducting it from my overall net income made in this year. But if instead of this expense, I am saying that let's say I spend ₹2,000 to buy a scooter, जिसपे जाके मेरा सेल्स का स्टाफ घूम घूम के सेल करके आएगा, इवन दैट्स एन एक्सपेंस, बट दैट एक्सपेंस इज नॉट गोइंग टू हिट मी इन 1 ईयर. दैट इज वन एक्सपेंस जो मैंने कर दिया डे जीरो पे, बट इज गोइंग टू बेनिफिट मी फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स. सो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिंग इट इन 1 ईयर, आई विल बी एक्सपेंसिंग इट इन नेक्स्ट 4 ईयर्स. यस और नो? दैट इज वाई टूडे वॉट आई डू इज, एक तरीके से आप इसे इस तरीके से कह लीजिए दैट आई नो ये अकाउंटिंग टर्म्स में ठीक नहीं बैठेगा, बट दिस इज एन एडवांस एक्सपेंस, दिस इज एन एडवांस एक्सपेंस, जिसको आप लोग लैपटॉप की तरीके से देख रहे हैं. दिस इज नथिंग बट ये आज एक्सपेंस हो रहा है जो मैंने अगले 4 साल के लिए किया. तो दिस लाइक एन एडवांस पेड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स. यस नो? अल्टीमेटली मेरे बुक्स में जो हिट आएगा वो ₹2,000 का आएगा. यस और नो? ये स्पेसिफिक टॉपिक होगा जब अपन फिक्स, व्हाट यू कॉल, फिक्स एसेट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन करेंट एसेट्स, उस समय ये स्पेसिफिक एक टॉपिक होगा. एंड दिस इज अ पीस विच विल स्टडी इन डिटेल, दैट द टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड दिस दैट रिमेन्स सेम. अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इतना देखा कि इनकम स्टेट, सॉरी बैलेंस शीट में देयर इज वन सोर्सेस साइड, देयर इज वन एप्लीकेशन साइड. एप्लीकेशन मतलब पैसा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, सोर्सेस मतलब पैसा किस तरीके से रेज किया हुआ है. करेक्ट? सोर्सेस में अभी तक के ओन फंड्स देखे, ओन फंड्स में दो पार्ट किया उसका, एक इन्वेस्टेड अमाउंट, एक अर्नड अमाउंट. अर्नड अमाउंट कैसे आया? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस. अगर कोई ऐसी चीज है जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे रही है तो उसको आप एक बार के एक्सपेंसेस में डिडक्ट नहीं कर रहे हो. सर एक काम करो ना, यहाँ ₹500 तो काट डालो, क्योंकि ये ₹2,000 का जो एसेट है ये 4 साल चलेगा ना, तो यहाँ ₹500 तो डालो. मैंने जान के बोला था 31 दिसंबर को खरीद रहा है, तो इस साल तो कुछ यूज हुआ ही नहीं, अगले 31 दिसंबर को ₹500 डालेंगे. सही कह रहा हूँ ना मैं? यस नो? करेक्ट? यू आर विथ मी टिल दिस पॉइंट, राइट? मान लो 31 दिसंबर 2000 को आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट है, अब मैं वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोल ले रहा हूं, ठीक है? इसमें आपके जो सोर्सेज हैं और ये एप्लीकेशन है, इट लुक्स लेट्स से समथिंग ऑन दीज लाइंस. इट सेज ओन फंड्स ₹12,000, इट हैड कैश ऑफ ₹10,000 एंड लेट से लैपटॉप ऑफ ₹2,000, ठीक है? 31 दिसंबर 2000 या फिर 1 जनवरी 2001, सेम बैलेंस शीट ही है, वेल्थ स्टेटमेंट तो सेम ही दिखेगा, आज रात में और कल सुबह में कोई फर्क थोड़ा आ जाएगा. 1 जनवरी 2001, इट लुक्स सेम. यस नो? ओके.
On 1st January 2001, I have made a resolution to increase the level of my business. मैंने बोला ठीक है मैं लोन लेके आता हूँ, धंधा धंधे की साइज इंक्रीज करते हैं. मैंने 15,000 रुपए का लोन ले लिया कोटक बैंक से. How will my wealth statement change? अगर 15,000 का लोन लेता हूं, दिस इज 15,000 एडेड, दिस इज 15,000 एडेड, दिस 15,000 इज आउटसाइड फंड्स लिख लेता हूं अभी के लिए. ठीक है चलेगा यहां तक, ये ठीक किया हुआ है. हाँ आंसर देना सोच समझ के, जल्दीबाजी मत देना. ये लोन लेते ही मेरी वेल्थ 15,000 से इंक्रीज हो गई, यस और नो? आपका जो भी आंसर है आप अपनी, क्वेश्चन था वेल्थ इंक्रीज हुई है नहीं हुई. एक बात बताओ, अगर इतनी बढ़िया स्कीम है, मैं जाऊं कोटक, कोटक मुझे लोन दे और मेरी वेल्थ इंक्रीज हो, तो मतलब कोटक की वेल्थ इंक्रीज हो रही है. फिर किस बात की बिजनेस, किस बात की मॉडलिंग, ऐसी की तैसी कराए धंधा. बैंक जाओ लोन लो, वेल्थ इंक्रीज, कोटक साहब. किसी की इंक्रीज हो रही है तो किसी की डिक्रीज भी हो रही होगी ना, तो मैं अपनी इंक्रीज कराते जाता हूँ, उसकी डिक्रीज कराते जाता हूँ. ये तो बढ़िया धंधा है. ये नहीं, ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दिया. किसने दिया था एग्जाम्पल, किसने दिया था एग्जाम्पल? अरे डरना नहीं है, जिसने दिया था बोलो ना, एग्जाम्पल गलत है वो. हाँ इनमें से किसी की भी वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई है लोन लेने की वजह से. कर लेंगे उस पर बात, आ जाएंगे वहां पर. इट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. पहला मैंने आपको क्लियर आंसर दे दिया कि वेल्थ इंक्रीज हुई है नहीं हुई, इसमें कोई वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी. एक बात बताओ, मान लो आपने घर खरीदा 2 करोड़ का, 2 करोड़ बैंक से लिए और 2 करोड़ का घर खरीद लिया. आपका दोस्त आपके घर आया, कह रहा है अमीर आदमी है भाई तू, आपका जवाब क्या होगा? किस बात का अमीर? किस बात का अमीर? यही बोलोगे ना, लोन देना है साले, यही निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे वर्ड्स? ईएमआई दे दे के मर गए. यहाँ बोलना क्या चाह रहे हो? पैसे थोड़ी ना इंक्रीज हुए, एक एसेट आ गया उसके सामने में देनदारी खड़ी हुई है, ये कैसी वेल्थ इंक्रीज? वेल्थ है क्या एक्चुअली में? कुल मिला के जो मेरे इनकम जनरेटिंग चीजें थी, मतलब जो मेरे एसेट्स थे, उसमें से जो मार्केट के देने दवाने उसको माइनस कर दो, जो बच रहा है वो मेरी वेल्थ है. यहाँ पे मेरे पास धंधे में कितने पैसे लगे हुए थे, ये ग्रीन वाला पोर्शन में अगर हटा दूं, अगर मैं ग्रीन वाला पोर्शन हटा दूं तो मैं इस धंधे को बंद कर देता. अगर इफ दिस ग्रीन पीस डजंट एग्जिस्ट एंड इफ आई क्लोज डाउन दिस बिजनेस, मतलब आई एम सेइंग रिमूव दिस पार्ट एंड रिमूव दिस पार्ट, ये ऐसा दिख रहा है बिजनेस अभी. अगर मैं धंधे को बंद कर देता तो मुझे घर पर कितने पैसे आते? 10,000 रुपए कैश आ ही जाते, 2,000 का लैपटॉप होता, तो मेरे पास टोटल सरमाया क्या था मेरे धंधे में? 12,000 रुपए. मैंने 15,000 रुपए का लोन लिया, वो कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है. मैंने लोन लिया, कोटक बैंक गया, लोन लिया, 15,000 रुपए बैंक अकाउंट में आए. मैंने कहा बस अभी ही बंद करूंगा इस धंधे को, अगले एक क्षण ये धंधा नहीं चलना चाहिए. आई वॉन्ट रन दिस बिजनेस ऑपरेशन इवन फॉर नेक्स्ट डे. अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, 25,000 घर लेके जाओगे, 2,000 रुपए का लैपटॉप पड़ा, और वो कोटक वाला जाने देगा मेरे को मेरे घर? तो हाँ, वो लाइबिलिटी नाम से जानते हैं उनको, यस. तो हमें ये 15,000 रुपए बैंक के देने पड़ेंगे और उसके बाद मैं घर तो 12,000 ही लेके जाऊंगा. तो प्रैक्टिकली क्या मेरी वेल्थ इंक्रीज हो गई क्या? हाँ जी गुरु जी, हाँ हो गई इंक्रीज. वेल्थ इंक्रीज नहीं हो रही. वेल्थ का मीनिंग क्या है? वेल्थ इज योर नेट एसेट्स इन द बिजनेस. वेल्थ इज योर नेट एसेट्स इन द बिजनेस. देयर इज अ रीजन दैट आई एम नॉट सेइंग उसको इक्विटी बोलो. चलो देखते हैं इसको, इसी को आगे बढ़ाते हैं. मान लो ये जो 15,000 रुपए थे ना, दो चीजें अभी के लिए, ये लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन भूल जाओ, अभी के लिए मान लो कुछ नहीं है सर, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ नो डेप्रिसिएशन. वो लैपटॉप हमने लिया वो अनंत काल तक चलेगा, खराब होना ही नहीं है वो, ठीक है. ये 15,000 रुपए का लोन लिया था हमने, ये 25,000 रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है. मान लो
ये 25,000 रुपए हटा के मैंने ना लैंड खरीद लिया, सर 25,000 में कौन सा लैंड आता है? इसको 2001 के बदले 1981 कर लो, हो जाएगा सब। लैंड में आ गया, 25,000 रुपए का लैंड खरीद लिया, ठीक है। ये लैंड था KS लिमिटेड में, इस कंपनी के पास 12,000 रुपए के ओन फंड्स थे, 15,000 रुपए के आउटसाइड फंड्स थे। ये ओन फंड्स को आप लोग इक्विटी नाम से जानते हो, ये आउटसाइड फंड्स को आप लोग डेट नाम से जानते हो। कैश निल हो गया है इसके पास, 2,000 का लैपटॉप पड़ा है, 25,000 रुपए का लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज इन 1981। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1/1/24, एज इट इज। कुछ काम नहीं हुआ इसमें, और कोई काम नहीं हुआ सब। 1981 में लैपटॉप नहीं था, अरे स्कूटर बोल लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ईयर 2024, 1 जनवरी 2024, ये कंपनी मान लीजिए आपकी है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा कंपनी मुझे बेच दो, आपके 15,000 का लोन मैं चुका देता हूँ, आपको 12,000 रुपए दे देता हूँ, फेयर डील क्यों? वाई नॉट फेयर डील? हाँ, 25,000 की जमीन है किताब में, 2,000 का लैपटॉप है, ये 2,000 का लैपटॉप पनौती हो चुका है, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शरीफ आदमी हूँ। आप ये 25,000 रुपए का लैपटॉप मुझे दे दीजिए, सॉरी 2,000 का लैपटॉप मुझे दे दीजिए, ये 25,000 वाली जमीन मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपका आपको 12,000 रुपए दे रहा हूँ, और आपके ऊपर जो बैंक का कर्जा है 15,000 का, वो मैं चुकता हूँ। तो मैं आपके पास 27,000 रुपए लेके आया, मैंने कहा सर ये 27,000 रुपए, 15,000 चलो एक साथ मिलके कोटक को देते हैं, 12,000 आप अपने गले में रखो, ये कंपनी मेरे नाम पे कर दो, फेयर डील और नॉट अ फेयर डील? क्यों? हाँ, मतलब हमने 1981 में 25,000 की जमीन खरीदी थी, अब हो गई होगी 2-2.5 करोड़ रुपए की। तो अब इस कंपनी की नेट वर्थ इक्विटी है क्या? इस कंपनी में इक्विटी कितनी है पहले ये बताओ, इक्विटी तो जानते हैं आप लोग, इस कंपनी में इक्विटी कितनी है? 12,000 दे रहा हूं, 12,000 दे रहा हूं, बट द नेट वर्थ ऑफ दिस कंपनी इज नॉट इक्विटी, इट इज द नेट एसेट्स जो कि उस इक्विटी में छुपे हुए हैं। उसकी बुक वैल्यू 2527,000 माइनस 15,000 12,000 दिख रही है, यही हो रहा है ना। आपके पास इस कंपनी में एसेट कितने का पड़ा है? 2527,000 माइनस 15,000 रुपए का लोन, तो मेरे पास दिख रहा है कि 12,000 रुपए के नेट एसेट्स पड़े हैं, बट ये तो सारा का सारा बुक वैल्यू है। किताब में 15-25,000 की जमीन 25,000 की रह गई, रियल में तो वो जमीन 2.5 करोड़ की हो गई ना। तो विल यू सेल दिस कंपनी टू मी एट 25,000? द आंसर इज नो। नेटवर्थ इज नेट एसेट्स या फिर इक्विटी, बट व्हेन आई एम सेइंग इक्विटी, इट इज नॉट बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, इट इज द ट्रू करेक्ट फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सही कह रहा हूं ना मैं? मान लो 2024 में मैंने बोला कि ठीक है मैं बेच देता हूँ, ये 25,000 की जो जगह थी ये 25 लाख की हो गई, मान लो ये लैपटॉप जीरो का हो चुका, 15,000 इसको चुकताने, तो बताओ इस धंधे की वैल्यू क्या होगी? 25 लाख माइनस 15,000, इतने में तो दे दूंगा ना मैं इज्जत से कंपनी, यस नो? ठीक है, चलो हमने अभी तक सीखा नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट एसेट्स इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। अगर आपने लोन लिया, लोन रेज्ड, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? नेट इफेक्ट ऑन नेट वर्थ निल। ठीक है, अच्छा चलो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। मान लो यही वाला केस है, ओह
दिस सेम केस केस एग्जिस्ट. इसको करता हूं मैं केस नंबर 5. अगेन प्रैक्टिकली दिस दिस पीस केम अप इन माय वैल्यूएशन अ फ्यू डेज बैक. एक हॉस्पिटल का ही मतलब एक क्लिनिक का काम कर रहा था, उसी में आया था. देखना मान लीजिए 12,000 ओन फंड्स, 15,000 रुपए आउटसाइड फंड्स, इक्विटी एंड डेट. और मान लीजिए पूरे के पूरे जो एसेट्स है ना, एक बार को मैं बोल देता हूँ कि पूरे 27,000 रुपए कहाँ था वो, अरे यार बहुत कुछ चेंज करना पड़ जाएगा. चलो ठीक है, एज इट इज ही रहने देता हूँ, नो वरीज, लेट इट रिमेन एज इज. मान लीजिए ये जो डेट लिया गया है ना, ये 2020 में लिया गया, 2020 1st जनवरी 2020. ठीक है चलो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो डेट है ये कोविड के टाइम पे लिया गया. यूएस में बहुत सारी, यूएस में बहुत सारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट में भी ऐसा हुआ कि वहां पे गवर्नमेंट्स ने ना अपने जो एमएसएमई सेक्टर था उनको सपोर्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज रेट पे, बहुत ज्यादा कम रेट पे लोग कंपनीज को लोन देना स्टार्ट किया. और 2 साल के बाद जाके उस लोन को ये डिक्लेयर कर दिया दैट दिस इज अ बेनिफिट दैट वी आर पासिंग ऑन टू द एमएसएमई सेक्टर. मतलब लोन माफ कर दिया, बोला कि आप इसकी रिपेमेंट ना करें. अब मान लीजिए 1 जनवरी 2020 या 31 दिसंबर 2020 करते हैं, कोविड का साल हुआ, हमने लोन ले लिया 15,000 रुपए का. 1 साल के बाद मोदी जी आए, बोले लोन वोन किस बात का, छोड़िए आप इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, दिस दैट, ये लोन माफ. ठीक है, ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोन माफ नहीं हुआ, ये एज इट इज जब लोन लिया था तब का बता दिया. 6 महीने के बाद 30 जून 2021 लोन converted to benefit. How will the things change? सर कहाँ आप अचानक इनकम स्टेटमेंट और ये सब कर रहे थे, अचानक इतनी हाई लेवल की चीजें. अब मुझे बताओ अब क्या हुआ. If the loan gets converted to benefit, मतलब government let's say says कि okay ये loan हम माफ कर देते हैं, what will happen? जो आपकी outside फंड्स की देनदारी बच रही है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू पे आउट टू द गवर्नमेंट टू द बैंक, दैट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एनीमोर. ये जो 15,000 देने थे, सोर्सेज में क्या आ रहा है, सोर्सेज बोल रहे हैं 12,000 रुपए खुद के पैसे लगे हुए, 15,000 रुपए बैंक ने दिए हुए. तो अगर मैं ये धंधा बंद करता हूं तो मैं अपने सारे एसेट्स बेचूंगा. व्हाट इज दिस वेल्थ स्टेटमेंट स्पीकिंग आउट, एक बार वो देखते हैं. अगर मैं ये धंधा बंद करता हूं तो मेरे पास 25,000 का लैंड है बुक वैल्यू, इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी इस पे वो लैंड बिक जाएगा. 2,000 रुपए का लैपटॉप है बुक वैल्यू, इसका जो बाजार भाव होगा वो बिक जाएगा. मान लो ये जो 2,000 रुपए का स्कूटर है, ये इट्स लेट्स से दिस स्कूटर वॉज यूज बाय सम ग्रेट, लेट्स से एल्विस प्रिस्ली बैठा था इस पे, ये बहुत महंगा बिकेगा. फिर ये फिर 2,000 का नहीं है, फिर करोड़ों का होगा, ऑक्शन ऑक्शन होगा इसका, है ना. तो लैपटॉप की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, लैंड की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो दोनों का सम टोटल, इससे जो पैसा आएगा वो सबसे पहले बैंक को दिया जाएगा, जो बच गया वो आएगा बिजनेस के प्रमोटर या फाउंडर के पास. यस नो, बिजनेसमैन सिर्फ इतना ही कमाएगा, ये नेटवर्थ है ना मेरी. अब मान लो ये बैंक को पैसे नहीं देने, तो बैंक जो लाइन में खड़ा हुआ था धंधा बंद होने के बाद, धंधा बंद होता तो 25,000 + 2,000 27,000 की बुक वैल्यू के एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती, वो मार्केट वैल्यू में से सबसे पहले डेट वाले को कुछ पैसा दिया जाता, बचा हुआ पैसा इक्विटी वाले को दिया जाता. अब ये जो दो बंदे खड़े थे, पहले डेट वाला खड़ा था, उसके नीचे इक्विटी वाला खड़ा था, वो डेट वाला चला गया लाइन छोड़ के, हाँ या ना, तो मतलब उसको देना नहीं है. तो ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिल गया, इक्विटी को, तो उसे बेनिफिट हो गया कि जो 15,000 लेने के लिए खड़ा था मेरे आगे लाइन पे वो हट गया. तो दैट्स व्हाई दिस गेट्स एडेड टू ओन फंड्स.
दिस गेट्स एडेड टू ओन फंड्स. मेरे ओन फंड्स कितने हो जाएंगे, मेरे ओन फंड्स कितने हो जाएंगे ये करते ही? इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. दिस विल बी 27K. यस नो? इसमें मेरे इन्वेस्टेड पैसे कितने थे? 10,000. 2,000 रुपए मैंने और कमा लिए, फिर ये 15,000 और आ गए. ठीक है, ये मत पूछना अभी के लिए कि इसे कैटेगराइज कहां पे करेंगे. जैसे अभी ना जिस कैंडिडेट ने आंसर दिया था ना कि ओन फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि मिसलेनियस इनकम में आ जाएगा, बोला था ना आपने, अभी उसकी बात नहीं करते कहां आएगा, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग का मुद्दा है ना. अभी एक बात सोच के देखो, वो मिसलेनियस इनकम में ना आए. अच्छा एक अच्छा और बेटर सोचते हैं. मान लो आप कंपनी के प्रमोटर, ठीक है, और आपके पास एक काम करते हैं अकाउंटेंट. गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि भाई जिसने भी 1 जनवरी 2021 से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में लोन लिया और एमएसएमई लोन लिया, उसका लोन माफ. आपने 15,000 के लोन लिए, आपके मन में क्या आएगा? 15,000 बच गए या नहीं, 15,000 मिसलेनियस इनकम, ऐसा ऐसा ये नहीं आएगा ना? अपने को ऐसा सोचना भी नहीं है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 15,000 लाला जी को बच रहे हैं, वो क्या बोल के बचेंगे उसकी ऐसी की तैसी. आई एम सेइंग दिस, आई एम कॉलिंग दिस आउट, बिकॉज जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा वो बोलेंगे 10,000 रुपए इक्विटी, 2,000 रुपए जनरल रिजर्व, 15,000 रुपए कैपिटल रिजर्व, ऐसे कोई दो चार नाम पढ़ के आते हैं हम लोग, है ना? वो बहुत तकलीफ है. अभी कौन सा रिजर्व है उसको छोड़ो, एट द एंड ऑफ द डे है मेरा पैसा सारा खत्म. ये है मुद्दे की बात. इसे कहां डाला जाएगा ये अकाउंटिंग में डिफाइंड होगा, ये IFRS, US GAAP, IND AS आप जहां पे हैं उस जगह के हिसाब से अप्लाई होगा. मैंने जिन टेरिटरीज में काम किया वो लोग इसे इनकम स्टेटमेंट में लिखते थे. देयर आर अकाउंटिंग लॉज इन इंडिया विच से दैट आप इसे इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते. देयर इज अ वन ऑफ आइटम, यू विल हैव टू टेक इट टू कैपिटल रिजर्व एंड देयर इज दैट ब्ला ब्ला, उसमें नहीं जाता लीगैलिटी. हमें ये जानना ही नहीं है कि ये कहां आएगा, हमें जानना है कि मतलब हमें उसकी कैटेगराइजेशन नहीं जाननी. कैटेगराइजेशन इज एन अकाउंटेंट जॉब, उसको छोड़ दीजिए. आपको तो ओवरऑल समझ आना चाहिए कि जैसे ही लोन माफ हुआ वेल्थ इंक्रीज हो रही है मेरी, दैट्स इट. दिस सॉल्व्स आवर पर्पस टू द टी. इससे जो दूसरी चीज समझ आनी चाहिए ना आपको एज एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो 15,000 का बेनिफिट है ना, ये वन टाइम बेनिफिट है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो एक ही बार होगा. मतलब दिस लाइक अ लॉटरी. अगर मैं ये बोलूं कि देखो एक बार ये स्टेटमेंट सुनना, मैंने बोला मेरी पिछले 5 साल की सेल है 100, 110, 120, 130, 140, 150, मैं बोलूं आगे का प्रेडिक्ट करो, तो यू विल प्रोबब्ली से 160, 180 समथिंग ऑन दीज लाइंस. अब मैंने बोला मेरी लास्ट ईयर लगी 2,000 की लॉटरी, अब बोलो अगले साल 2,500, फिर 3,000, फिर 3,500, ये कौन सी लॉटरी है? दिस इज अ डेफिनेट वन टाइम आइटम, करेक्ट. बार बार कोविड नहीं हो रहा, बार बार मोदी जी मेहरबान नहीं हो रहे, सही कह रहा हूँ ना? So we, our understanding is limited to two pieces. First, this is a tangible cash benefit which came our way. The result will be a definite increase in our net worth. Period. और कुछ नहीं, इसके सिवा कोई और बात नहीं है. कहाँ categorization, categorization को छोड़ो. ठीक है जी, आगे मूव करते हैं. एक लास्ट एक दो सेगमेंट्स इसमें लेते हैं. मान लो This was one case. ये ओरिजिनल यही वाला केस था. इसमें अब मैं मान रहा हूं कि कोई लोन जो है वो माफ वाफ नहीं हो रहा, हमको चुपचाप से ब्याज देना पड़ेगा, सारे के सारे जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस रहता है उस तरीके से कंडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, लेट मी मेलो डाउन द होल पीस अ लिटल. मान लीजिए लैंड आ रहा है 10,000 का, और मान लीजिए 15,000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया आपने वापस, इन्वेंट्री आ गई 15,000. अच्छा, इन्वेंट्री 15,000 की खरीदा तो नेटवर्क इंक्रीज हुई क्या? हाँ, नेटवर्थ इंक्रीज हो कब रही है?
नेटवर्थ इंक्रीज हो कब रही है? फोन फंड फंड कब होती है नेटवर्थ इंक्रीज? बेचने के टाइम पे इंक्रीज होती है नेटवर्थ, खरीदते टाइम कुछ इंक्रीज नहीं होता। खरीदते टाइम तो सिर्फ फंड स्पेंड किए किसी पर्टिकुलर चीज पे, खरीदते समय क्या नेटवर्थ इंक्रीज होगी? अभी मैं जिसको नेटवर्थ बोल रहा हूँ, आप 10-20 क्लास पास इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप इसे वैल्यूएशन बोलने लग जाएंगे। Obviously there are a lot of steps in between, but yes, long term mein yes, this is what I'm saying is correct. I purchased inventory, my net worth is not increasing. I sell this purchased inventory at a particular, profit, then my net worth increases by that particular amount, correct? ये 15,000 का stock खरीदा, इसको 18 का बेचा, तब net worth increase हो रही है ना, correct? ठीक है, मुझे बताओ इस केस में क्या है? Cash is nil. लैपटॉप इज 2K, लैंड इज 10K, इन्वेंट्री इज 15K. चलो अब मुझे एक बात बताओ, दो तीन पीसेस इसी से रिलेटेड बोल रहा हूं। आप लोगों ने अपने क्लास 11th, 12th, इवन कॉलेज में वर्किंग कैपिटल नाम की एक चीज का नाम सुना है। यू हैव हर्ड द टर्म वर्किंग कैपिटल, राइट? Those of us who have not heard the term working capital, show of hands. सबने सुना है working capital? बहुत बढ़िया। इस केस में working capital कितनी? इस केस में working capital कितनी है? क्या working capital? 15K. छोटा सा change करते हैं। मान लो ये 8,000 का लिया होता, अब वर्किंग कैपिटल कितनी है? 8,000. अरे अब तो कुछ मुश्किल भी नहीं पूछ रहा, दो चार सवाल इधर उधर कर दिए तो ऐसे थोड़ी कि अगला भी मुश्किल होगा। इसमें वर्किंग कैपिटल कितनी है? अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये बताओ, जो पढ़ के हैं उसकी बात करते हैं छोड़ो, जो आपको पहले से पता है वर्किंग कैपिटल के बारे में वो बताओ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही पढ़ा हुआ है सभी। इसको मैं नेट करंट एसेट भी बोल सकता हूं, तो दिस इज करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल बता दो, चलो कैश आएगा, वर्किंग कैपिटल में। ओके, इन्वेंट्री और बड़ी बड़ी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, व्हाट एल्स मैम? हाँ, करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा शॉर्ट टर्म लोन आता है? अभी के लिए इग्नोर करो शॉर्ट टर्म। और रेंट, रेंट क्या? एक एक करके, रेंट क्या? अच्छा, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और कुछ कह रहे थे, आप? अरे बोल तो रहे थे, बोलो ना। अच्छा हाँ, नहीं, प्रोविजन की बात नहीं करी, ऐसा करना होता नहीं होता, ठीक है। ये है, ये वर्किंग कैपिटल है, करेक्ट? यस नो? अभी बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ दो, आज बैंक ओडी ओडी का मतलब नहीं पता मुझे आज, अभी के लिए इतनी बात करते हैं। दिस इज वर्किंग कैपिटल। अच्छा, एक बार वापस आता हूँ अपने सोर्सेज में। मेरे सोर्सेज कितने, मतलब मेरे पास टोटल धंधे में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई है? मेरे धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई है? हैं? क्या बोल रहा है? टोटल मेरे धंधे में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहा, मेरे धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई है? फॉर दोज ऑफ अस हू से 27,000, शो ऑफ हैंड्स। फॉर दोज ऑफ अस हू से 12,000, बाकी इतने सारे क्या करते? 15,000 भी लग रहा है क्या किसी को?
धंधे में तो टोटल 27,000 लगा है, इसमें क्या फाइट है? धंधे में टोटल 27,000 लगा हुआ है ना, सोर्सेस मतलब इस ऐसा है, मैं अगर इधर उधर के सवाल पूछ लिए 3-4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगला इंट्यूशन आ रहा है वो आंसर ना दो। आई जस्ट आस्क दीज क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट यू आर विजिलेंट बिफोर आंसरिंग। ऐसा थोड़ी है कि अगला आंसर ही नहीं है, नहीं नहीं पक्का कुछ गलती होगी छोड़ के ही बोलना, ऐसा थोड़ी होता है। यू हैव टू आंसर व्हाट एवर यू थिंक, आप उसका आंसर दीजिए ना, क्या ही होगा उसमें। इस धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट 27,000 की है, धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट 27,000 की लगी है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस इज 27,000। सर बिजनेस में 27,000 लगे, हाँ 15,000 बाहर वालों के, 12,000 खुद के। सर आपने तो 10,000 लगाए थे, तो 10,000 लगाने के बाद दो कमा भी तो लिए थे, कमाए हुए पैसे और लगाए हुए पैसे में कोई फर्क थोड़ी ना होता है, ये होता है, होता है कैसे? अच्छा काम सुनो, तुमने एक धंधे में 1 करोड़ रुपए लगाए, साल भर में लेट्स से उस पे 50 लाख और कमा लिए। मैं आया, मैंने कहा 1 करोड़ का दे दो, तुमने तो 1 करोड़ ही लगाए थे, ले लो यार 1 करोड़, और क्या लोगे, बैंक का ब्याज ले लो 12 पटाके से, 1 करोड़ 12 पे चुकता करो, दे दोगे? नहीं दोगे ना, धंधे में 1.5 करोड़ पड़ा हुआ है, मुझे कैसे 1 करोड़ 12 लाख में दे दोगे? धंधा कमाए हुए पैसे और लगाए हुए पैसे में कोई फर्क नहीं है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। अकाउंटिंग, व्हेन वन स्टडीज अकाउंटिंग, उनके दिमाग में एक अलग कैटेगराइजेशन है, वो बोल रहे हैं ये इक्विटी है रिजर्व, ये इक्विटी है रिजर्व। अरे कुछ फर्क नहीं है यार उसमें, क्या इक्विटी क्या रिजर्व, काहे के लिए इतना उल्टा सीधा करना है? वो फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस, फॉर गिविंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स, वो उसके दो सेगमेंट कर दे रहे हैं, बट दैट मीन्स नथिंग। इक्विटी इज इक्विटी यार, इसमें क्या फर्क है? तो जब जब धंधे से, अभी मैं आगे जाऊंगा, धंधे से पैसा भी निकलवाऊंगा, चिंता ना करो, तो इतना बड़ा धंधा बना रहे हैं तो निकालेंगे भी ना पैसा, ऐसा थोड़ी यही अमीर बनेंगे और रहेंगे वैसे ही नॉर्मल लाइफस्टाइल में, यहाँ भी पैसा निकालेंगे। अभी तक की बात करो, अभी तक अगर मैंने धंधे में पैसा कमाया, अभी तक तो नहीं निकला, तो क्या फर्क है 10 और 2 में? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है, देयर एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। एक काम करो सुनो, तुमने HDFC का शेयर खरीदा 1995 में, कितने का होगा उस समय? 10, 20, 50 रुपए कुछ कौड़ी का भाव होगा उसका, आज की रेट में कुछ बढ़ भी गया होगा, है ना? तो दे दोगे जितना में इन्वेस्ट किए थे उतने में? इन्वेस्टेड फंड्स ले लो यार, और क्या लोगे मुझसे, जान लोगे? मैं तो एक रात का प्रॉफिट ना दूं किसी को, मैं कल खरीदा 100 रुपए का, आज 105 का है, तो क्या 100 में दे दूंगा क्या भाई? आज के भाव पे ले ले, सौदा डाल, मिल जाएगा मार्केट से, मैं भी सेल का सौदा डाल दे रहा हूँ, यही होगा ना? मैं एक रात का प्रॉफिट नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? और मान लो मैंने 105 का शेयर बेच दिया किसी को, लेट्स से वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो डिमांड, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे हम शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, 100 का लिया, मार्केट में 105 का भाव लगा, मैंने तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट दिए, तुमने 105 दी, मैंने तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट हैंड ओवर की, तुमसे 105 रुपए लिए, तो तुमने 5 रुपए के नोट पे लिखा होगा कि अलग से कमाए हुए और 100 रुपए पे लगाए हुए, नहीं आएगा ना ऐसा कुछ? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। सही बोल रहा हूँ ना मैं? पैसे के भाषा में एक चीज बोली जाती है, मनी इज फंजिबल, कि कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो बकेटिंग है ना, ये इनफैक्ट हम जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहां पे देयर इज अ बायस व्हिच इज कवर्ड, मतलब व्हिच कवर्स द दिस फीचर। यार बकेटिंग करते थे उसको क्या बोलते थे, मेंटल अकाउंटिंग बायस, दैट्स द नेम, मेंटल अकाउंटिंग बायस आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। जब बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ोगे उसमें बात बोली जाती है बिहेवियरल फाइनेंस में, कि ये जो बकेटिंग करने की आदत है, ये लगाए हुए पैसे, ये कमाए हुए पैसे, दिस इज कॉल्ड मेंटल अकाउंटिंग बायस। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, ये मूवी थी ना, ये क्या नाम था इसका, सलमान खान वाली, वो जिसमें वैसे 4 गुल्लक बनाता था, ये भाई बहन की शादी के, हाँ सबको पता ही है, करेक्ट करेक्ट, हाँ वही मुझसे शादी कर, उसमें वो क्या करता था, 4 गुल्लक बनाता था, बोलता था बहन की शादी के, मेरी जॉब के, समथिंग समथिंग ऐसे करके 2-4 और, हाँ नहीं, गुल्लक का नाम नहीं जानना, बट मैं बोल रहा हूँ वो क्या कर रहा था, उसके पास 50,000 रुपए है, वो सब में 10-10,000 डाल रहा है, 5 गुल्लक में सब में 10-10,000 डाल रहा है, ही इज डूइंग मेंटल अकाउंटिंग ना, क्या कर रहा है वो? 50,000 तो 50,000 ही लेंगे, 5 जगह भी बांट के क्या होगा?
पैसे अलग अलग करने की क्या जरूरत है? ही कुड हैव जस्ट थॉट कि ओके इसका ये करूंगा इसका ये करूंगा. ये जो आपने अलग अलग से कैटेगराइज कर दिया पैसे को कि माँ के इलाज के, बहन की शादी के, दिस मेंटल अकाउंटिंग, कुछ नहीं हो रहा इसमें. अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आपकी सैलरी मान लीजिए आपके अकाउंट में जो हर महीने क्रेडिट होता है, आपकी एक्स वाई जी पैकेज है, मान लीजिए 20 लाख का पैकेज है, और महीने में जो हर हर महीने जो अकाउंट में क्रेडिट होता है वो 1.25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आपको हाल में साल में कैश में आता है, मतलब बैंक अकाउंट में गिरता है, बाकी 5 लाख रुपए वो टीडीएस और वो क्या ग्रेच्युटी प्रेच्युटी ये वो बोल के सब लूट लिया जाता है आपसे. टीडीएस वीडीएस सब इंपॉर्टेंट है देश की ग्रोथ के लिए, आई सेकंड दैट, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. 1.25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आया तो मान लीजिए किसी मंथ में आपको बोनस मिला 1.25 लाख प्लस 30 हजार रुपए, 1,55,000 रुपए. आपकी मेंटल अकाउंटिंग क्या बोलती है? 1.25 लाख तो सैलरी के थे, 30 हजार में तो मैं घूमने जा सकता हूँ यहाँ से कहीं. दिस इज मेंटल अकाउंटिंग ना. आ तो 1,55 रहे वो आपके हैं, वो सैलरी है पूरी, लेकिन आपका दिमाग क्या बोलता है? हर महीने 1.25 आते तो मैं तो 1.25 लाख का ही बनता हूँ, ठीक है. ये 30 हजार रुपये जो आए, इसका मैं जो मर्जी करूँ, इसकी पार्टी करूँ गोवा शिमला, वॉट एवर देयर इज इन योर माइंड, सम एसेट्स फोन वॉट एवर, बट वॉट आई एम सेइंग इज दिस इज मेंटल अकाउंटिंग, दिस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस देयर इज नो डिफरेंस. इक्विटी इज 12 लाख पीरियड, कोई फर्क 12,000 पीरियड कोई फर्क नहीं है, चाहे कमाया हो चाहे लगाया हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस. आई वेरी स्ट्रांगली पुट दिस फॉरवर्ड बिकॉज आप लोग आगे चल के जाते हो वैल्यूएशन करते हो, वहाँ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी होती है, वहाँ ये थोड़ी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टेड इक्विटी, वैल्यूएशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये सब थोड़ी होता है. इक्विटी तो इक्विटी है, ठीक है जी. आगे चले, एग्जाम्पल क्या कर रहे थे? हाँ ओके. इस समय मेरे धंधे में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? 27,000 रुपए. ये 27,000 रुपए किन फॉर्म्स में लगे हुए हैं? एक बार ये सबको चेंज कर देता हूं, रुको. मान लो मेरे पास लैंड है 15,000 रुपए का, इन्वेंट्री है 12,000 रुपए की, 15,000 का 10,000 का लैंड है, 5,000 रुपए की प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, 12,000 रुपए की इन्वेंट्री, ठीक है. ये गिवन सिचुएशन है. मान लो ये सारी की सारी इन्वेंट्री, 12,000 रुपए की इन्वेंट्री का मैं क्या कर रहा हूं? अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अगले पॉइंट पे. आपको उसके बाद इस वेल्थ स्टेटमेंट को चेंज करना है. मैंने इसे कॉस्ट स्ट्रक्चर पे चेंज कर लिया. मान लो 3 जूते थे इसमें, 12,000 रुपए के 3 जूते पड़े थे, एक 5,000 का था, एक 4,000 का था, एक 3,000 का था. 3 कार्टन्स थे, एक कार्टन 3,000 का, एक 4,000 का, एक 5,000 का. ये 5,000 वाला सोल्ड, ये मैंने बेच दिया कैश में 8,000 रुपए, ये 4,000 रुपए वाला बेच दिया 6,000 रुपए का, ये क्रेडिट सेल हुई है, और ये 3,000 वाला अनसोल्ड है, ठीक है जी. आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ये बैलेंस शीट या वेल्थ स्टेटमेंट था आपका. मैंने बोला मैंने इन्वेंट्री का ये किया है, दिस इज ए दिस इज बी. मुझे बताओ आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ बी, बी इवेंट है ना, 12,000 की इन्वेंट्री थी, 3 कार्टन पड़े थे, 5,000 वाला कार्टन 8,000 का बेचा कैश में, 4,000 का कार्टन 6,000 में बेचा क्रेडिट में, 3,000 का कार्टन नहीं बिका, पड़ा हुआ अभी तक के. मुझे बताओ हाउ विल योर अपडेटेड वेल्थ स्टेटमेंट लुक लाइक? सर सिखाते हो नहीं, पहले करने दे देते हो, भरोसा है मुझे आप पे कि कर सकते हैं आप खुद. देखना इस केस में हाउ विल द थिंग्स चेंज. 5,000 का स्टॉक 8,000 का बिक गया, क्या होगा इसकी वजह से इफेक्ट?
इस एक ट्रांजेक्शन के वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? दिस विल बी माइनस फाइव के, दिस विल बी माइनस फाइव के और नॉट कैश विल बी प्लस एट के, देयर इज अ थ्री के डिफरेंस, इसका क्या करेंगे? इट गेट्स एडेड टू ओन फंड्स. ये ट्रांजेक्शन वन का प्रॉफिट है. अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो ये 12 भी कहां से आ रहा था? इसमें 10,000 रुपए पहले के थे खुद के, 2,000 रुपए बाद में आए थे, है ना? 2,000 रुपए बेचा था ना एक माल, 10 का खरीद के 12 का, अभी 5 का खरीद के 8 का बेचा, 3,000 का एक प्रॉफिट आ गया. सेकेंड ट्रांजेक्शन 4 का माल बिका 6 में, अब क्या होगा? इसके पैसे नहीं आए, इसके पैसे नहीं आए. ये सेल है या नहीं है? फिर भी सेल तो है सर. कैसी बातें कर रहे हो, सेल तो है ही सर. सेल कितने की है, 4 की या 6 की? सेल 6 की है. सेल 4 की है, 4 का बेचा, 4,000 की कॉस्ट जो थी वो 6,000 में बिक गई, और इसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल कह दे रहे हैं. इंडिया में आप लोग इसे डेटर्स नाम से जानते हैं, ठीक है? टीएस गरिमा डेटर, हाँ सन्ड्री डेटर्स, यस करेक्ट, सन्ड्री डेटर्स, श्योर, ठीक है. दिस इज प्लस 6 के. अब 2,000 रुपए ट्रांजेक्शन टू का प्रॉफिट है ये, यस नो? ये 3,000 रुपए अनसोल्ड, इसका क्या करूं? इसका कुछ करना ही नहीं है, ये बताने की भी जरूरत नहीं थी, तो खुद ही आ जाता. तो लैंड है 10,000 का, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 5,000 के, 3,000 रुपए की इन्वेंट्री है, 8,000 का कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है 6,000. टोटल क्या मतलब, टोटल एप्लीकेशन कितने की कर रखी है? 18, 26, 6, 32, 32,000 रुपए. ये क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड है? ये 32,000 सोर्सेज ऑफ फंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, दोनों अप्लाई तभी हुए जब सोर्स हुआ होगा, है ना? हाँ, ये अप्लाई कहां कर रखे, इनमें अप्लाई कर रखे, बट 32,000 क्या है? 32,000 इज द फंड्स इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस आफ्टर दीज 2-3 ट्रांजेक्शंस हैव कंज्यूमेटेड. ओन फंड्स कितने हैं? 17,000. ओन फंड 17,000, आउटसाइड फंड 15,000. 32,000 रुपए का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है धंधे में. आर यू ऑल विथ मी टिल दिस पॉइंट? ओके, मुझे बताओ अकाउंट्स रिसीवेबल की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं काम मतलब अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मैं किसी और को उधार क्यों दे रहा हूं? दिस 6,000 इज दी उधारी, करेक्ट? मैंने किसी को माल बेच दिया, उसने मुझे बोला पैसे आज नहीं, पैसे अगले महीने ले लियो, दिस इज अकाउंट्स रिसीवेबल ना? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का आंसर दीजिए कि ये जो 6,000 रुपया है, मैं इस माल को क्रेडिट में क्यों बेच रहा हूँ? बिजनेस सेंस क्या है? सेल बढ़ाने के लिए. मुझे पता है कि मैं अगर माल में क्रेडिट माल मतलब लेट्स से आई एम अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट, देयर आर अदर फोक्स सिटिंग आउट देयर जिनका धंधा ऑलरेडी सेटल्ड है. तो इफ आई वॉन्ट टू पेनिट्रेट, I have just two ways of going about in business. पहला, वो माल 100 का दे रहा है, मैं 90 का देता हूँ. दूसरा, वो कैश में देता है, मैं 2 महीने का क्रेडिट दूंगा. यही दो तरीके हैं. या तो तीसरा होता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब बोलते हैं वो एंड्रॉइड बेच रहा है, मैं एप्पल बेच रहा हूँ. अभी उस पीस को इग्नोर कर देते हैं. इफ यू आर एंटरिंग इन टू अ नॉर्मल व्हाट यू कॉल अ स्टैंडर्ड बिजनेस, द ओनली वे फॉर यू to enter into the market or to increase your sales or to increase your business operations is either you offer better rates or you offer better terms. Correct बोल रहा हूँ ना मैं? सही है ना? ये rate मतलब rate से service better कर दी मैंने, सस्ता दे दिया, वो एक part है. दूसरा, मैं बोल रहा हूँ credit दूंगा आपको, मेरे को 2 महीने बाद पैसे देना, इससे मेरी sales बढ़ेगी ना, हाँ या ना? क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल. there are मतलब this is one way of selling your goods. It's not a
100% श्योर शॉट वे, आप गंद बेच रहे हो तो कोई क्रेडिट पे भी नहीं लेगा, नहीं बिकता तेरा माल, क्या ही करना है, मेरे वेयर हाउस की जगह खाएगा, मेरे को रखना ही नहीं तेरा माल, यही बोल देंगे. बट इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप इज ऑफरिंग क्रेडिट इन द मार्केट. यस नो, है ना. अब मैं भी पुराना हो गया धंधे में, पहले मुझसे लोग कैश लेते थे, अब मुझे भी क्रेडिट देना स्टार्ट कर देंगे. जैसे मुझे अपनी सेल बढ़ानी है, किसी और को भी अपनी सेल बढ़ानी होगी, वो भी मुझे कैश दे देगा, मतलब वो भी मुझे क्रेडिट पे माल दे देगा. इसके बाद ऐसा होता है, मैंने माल खरीद लिया मार्केट से, एज इट इज, दिस इज द बिजनेस, दिस इज हाउ द बिजनेस लुक्स लाइक. अब मैंने गुड्स खरीदे मार्केट से क्रेडिट पे, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 एट ₹9,000 इन ऑन क्रेडिट. बात नहीं करनी है, चुपचाप से वेल स्टेटमेंट को चेंज करके दिखाओ क्या होगा. 10,000 के गुड है और लिए 9,000 के, तो ₹10,000 इन्वेंट्री पे ऐड, ₹9,000 क्रेडिट पे लिया है तो ₹9,000 अकाउंट्स पेबल पे ऐड, और ₹1,000 सस्ता लिया तो फायदा, तो ₹1,000 सोर्सेज में ऐड. हाँ कि ना, ये कितनों ने किया ऐसा? थॉट तो सही है. अभी डिस्काउंट डिस्काउंट की बात ही नहीं करते. 10,000 की चीज मुझे 9,000 में मिली, ₹1,000 का फायदा है या नहीं, ₹1,000 प्रॉफिट है या नहीं, हाँ या ना? है पक्का? एक बात बताओ, मैंने 50 लाख का माल 40 लाख में खरीदा, 10 लाख का फायदा, जब फायदा खरीद खरीद के हो जा रहा है तो बेचना काहे के लिए? जब फायदा खरीद के हो रहा है तो बेचते क्यों है लोग? वैल्यू इंक्रीज होना इज एन इवेंट विच इज एसोसिएटेड ओनली विद सेल्स. ये कुछ नहीं हो रहा है, 10,000 का माल 9,000 में ले लिया, ये ऐसा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मिंत्रा पे और अमेजोन पे होता है. पापा 50,000 का मोबाइल है, 30,000 में मिल रहा है, 20,000 बच गए, पापा कहते हैं बेटा तू खर ले ही मत, पूरे 50,000 बच गए. दिस इज दैट प्रॉफिट. और क्या है ये? ये मिंत्रा की एड है ये? 10,000 की चीज 4,000 में ले लो, 60% ऑफ सेव, 10,000 की चीज 4,000 में लो, 6,000 बच गए, ना ले 10,000 बच जाते, ये कैसा प्रॉफिट यार? प्रॉफिट कब होता है? बेच के. परचेस पे कोई प्रॉफिट नहीं होता. तुमने 10,000 का माल 9,000 में लिया और 9,000 के माल को 9,500 में बेच दिया, या 9,000 के माल को 9,250 में बेच दिया, तो क्या बोलोगे? 750 का नुकसान हो गया, क्योंकि था तो 10 का. नहीं हो रहा ना ऐसा. यू बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000 एट ₹9,000. ये एट वर्थ ₹10,000 पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है. इट डजंट मैटर व्हाट इट्स वर्थ इज, आपने जितने पैसे जिस चीज के दिए वही उसकी वर्थ है. इन्फोसिस कर रहे हैं ना बात. इन्फोसिस का शेयर ट्रू वर्थ इस ₹2,000, मार्केट में 1,200 का मिल रहा है, आपने परचेस किया, आप पी फंड हो, 2,000 का शेयर 1,200 का मिल रहा है. दोबारा करते हैं, मार्केट में आपने ज़ेरोधा का ऐप ओपन किया, आपने ब्रोकर का ऐप ओपन किया, उस पे शेयर कितने का दिख रहा होगा? 1,200. आपको क्या लग रहा है कितने का होना चाहिए? 2,000. आपने एक शेयर खरीदा, कितने का प्रॉफिट? पैसा बहुत है आपके पास, 1,00,000 शेयर खरीदे, कितने का प्रॉफिट? 800,00,000, 8 करोड़ का प्रॉफिट. आपने इन्वेस्टर्स को कॉल कर दिया, कह रहे 8 करोड़ का प्रॉफिट. कैसे? कह रहा 2 करोड़ के शेयर थे, 20 करोड़ के शेयर थे, 12 के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट. वो क्या बोलेंगे कि बस बेच तो दे एक बार, जो 1,200 का लिया उसको मार्केट में 2,000 लगने तो दे. ये तो तू वर्थ चेक कर रहा है ना, बट मार्केट शुड नो बेटर, इजंट इट? अगर ये 2,000 की वर्थ के हैं तो होने चाहिए थे 2,000 के. वो उसकी क्या वर्थ है? उसकी वर्थ जो है मार्केट में वही है, वो बाजार में 1,200 का ही मिल रहा है, खत्म. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ट्रू वर्थ इज 1,200 ओनली. 2,000 इज द वैल्यूएशन दैट यू एक्सपेक्टेड टू हिट, बट देन जो बेच रहा है ही माइट एक्सपेक्टेड टू हिट 800, तभी तो 1,200 का बेच रहा है वो. तो तुम खरीदते समय लिख रहे हो वर्थ ₹2,000, बॉट एट ₹1,200,
800 का फायदा, वो बेचते समय सोच रहा है वर्थ ₹800, सोल्ड एट 1200, 400 का फायदा, सभी पार्टियां प्रॉफिट में, सभी पैसा कमा रही है, सभी हो शेयर, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यार, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. प्रॉफिट इज समथिंग विच विल, मतलब प्रॉफिट इज एन, प्रॉफिट इज कमिंग आउट ऑफ एन इवेंट ऑफ सेल, नॉट आउट ऑफ परचेज. खरीद के खा किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ. अगर ये प्रॉफिटेबल डील है भी, तो भी ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, वक्त बताएगा 2 साल बाद, जब ये 9,000 वाली बिकेगी 15,000, तब जाके आप क्या बोलोगे, अभी के लिए 10,000, अभी के लिए ₹10,000 डज नॉट रियली मैटर, वर्थ ₹10,000 डज नॉट रियली मैटर, दिस इज अ स्टूपिड, व्हाट डू यू कॉल, इनपुट फॉर अस. हमारे लिए बहुत सिंपल है यार. तीसरी बार दे दो. हमारे लिए बहुत सिंपल है इसमें कहानी. इन्वेंट्री में ₹9,000 ऐड हो गए और अकाउंट्स पेबल ₹9,000 आ गए. ठीक है, श्योर. वो देर इज अ रीजन कि वो टीएस ग्रेवाल से बाहर कभी कुछ नहीं हुआ. लोग कह रहे हैं सर वो डिस्काउंट, वहां तो बहुत कुछ था, एक कैश डिस्काउंट था, एक ट्रेड डिस्काउंट था, इसकी एंट्री होगी इसकी नहीं होगी, बहुत कुछ पढ़ा था हमने वहां. अभी छोड़ दो सबको. अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, एक बार 12th की बात है. हाँ भाई, सब बहुत लोगों के मन में हो सकता है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं अब तो हम तो बहुत रिसेंट पढ़ के आए हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब तो हमारी बहुत रिसेंट यादों में, ऐसे कैसे छोड़ दें. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये ₹10,000 का माल आपने खरीदा होता, आपने जो पढ़ाई की थी उसमें क्या होता, ये बताओ मुझे. खरीदी हाँ, उसके हिसाब से बता दो. 10,000 का माल था, 9,000 में खरीदा और उसका 1,000 डिस्काउंट रिसीवेबल हो गया जो आपको क्रेडिट में तो होता आप वहां क्या करते थे, मैं बता रहा हूं, आप वहां 10,000 का एक्सपेंस जोड़ लेते थे, परचेज 10,000 की है, फिर ₹1,000 P&L के क्रेडिट साइड पे इनकम लिख लेते थे, ₹1,000 की. ये क्या बात बनी, 10,000 का एक्सपेंस, 1,000 की इनकम, 9,000 का एक्सपेंस. मैंने भी यही बोला. टीएस ग्रेवाल याद करनी है तो ये है वो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है. यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देते थे और यहाँ परचेज लिख लेते थे 10,000 और यहाँ 1,000. कुल मिला के क्या किया ये बताओ, मुद्दे की थी. वहां तो लेफ्ट राइट ही याद रहते, डेबिट क्रेडिट, बहुत तो कुछ है नहीं. वेन एवर यू थिंक अबाउट अकाउंट्स, तो हमें तो यही याद रहता है इसके लेफ्ट में इसके राइट में, तो आपको यही याद था, यहाँ परचेज यहाँ डिस्काउंट, एंड एंड में यहाँ वहां करके हुआ क्या, नेट नेट में 10,000 ऑन लेफ्ट साइड, 1,000 ऑन राइट साइड, अभी लेफ्ट राइट ही बोल रहा हूँ जान के, 10 और 1, ये नेट नेट क्या हुआ, 9,000 ही तो किया आपने. इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने भी तो यही किया है कि ₹9,000 आ गया आपके पास इन्वेंटरी, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है बताओ मेरे को. परचेज बट डिस्ट्रेस वाले थे कि किसी को डिस्ट्रेस में सेल करना ठीक है, इधर तो प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी मैं कह को रहा हूं इमरजेंसी में फंड्स चाहिए तो 50 लाख प्रॉपर्टी उसमें 40 लाख की सेल कर, तो जिसमें मैं खरीदते ही परचेज प्रॉफिट बुक कर दूंगा. नहीं बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे से ना वैल्यूएशन, मतलब बैक इन दी ओल्ड डेज जब मैं वैल्यूएशन की भी क्लास ले लेता था, उस समय ना मुझसे पूछते थे कि जैसे पहली क्लास है वैल्यूएशन की, तो मैं कहता था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इज सेम एज वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट, विच इज सेम एज द वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर इन द मार्केट, विच इज सेम एज द वैल्यूएशन ऑफ मिर्ची दैट इज सोल्ड बाय भैया डाउन स्ट्रीट, सेम, कोई फर्क नहीं है किसी की वैल्यूएशन, ये सारा कुछ सेम ही है. आपने प्रोडक्ट, आपने गुड्स खरीदे हो या आपने रियल एस्टेट खरीदा हो या कोई तीसरी चीज खरीदी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता. एट द एंड ऑफ द डे आपने 50 लाख की बिल्डिंग किसी कोई डिस्ट्रेस डील में 20 लाख की उठा ली, तो 20 लाख की उठाई है, 20 लाख रुपए उसको बैंक से पे हुआ होगा, 20 लाख बैंक से माइनस 20 लाख की बुक्स में, बिल्डिंग खत्म. इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे ये बताओ. 20 लाख की ली है ना आपने, तो बुक्स में 20 लाख रुपए लैंड आ, बिल्डिंग आ गई और 20 लाख रुपए आपके बैंक से चला गया, -20 लाख, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर. बट वो है तो 50 लाख की ना, तो बेचो ना 50 लाख की, तब मानेंगे ना. खरीदते समय तो कोई भी कुछ भी बोल ले,
उसकी वर्थ 50 लाख है, ये पहले ये बताओ ये कैसे पता चलता? तुम्हारी बात मान लेता हूँ, क्योंकि तुम खरीदना गया, तुमने बोला 50 लाख की है, मैं 20 लाख पे खरीद रहा हूँ, तो तुम्हें 30 लाख का प्रॉफिट। मैंने बोला 75 लाख की है, मैं 20 लाख पे खरीद रहा हूँ, 55 लाख का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया इनकम स्टेटमेंट बनेंगे। जितना प्रॉफिट दिखाना है पहले वो सोचूंगा मैं। और देख यार, मेरे को इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक करना है। मैंने 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 1.25 करोड़ की है, मैंने 20 लाख की लिया, 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट, बनी कोई बात? डजंट मेक एनी सेंस। वो अगर 20 लाख, 1 करोड़ 5 लाख की होती, मतलब 1 करोड़ 1.25 करोड़ की होती, 1.25 करोड़ की बिकती। देर इज अ रीजन दैट इट इज अवेलेबल एट दैट प्राइस। 2008 सब प्राइम क्राइसिस के बाद, $1 मिलियन सब प्राइम क्राइसिस से बिफोर, जो घर $1 मिलियन का बिक रहा था ना, वो घर जस्ट फॉर सब प्राइम क्राइसिस, दोज हाउसेस केम एट अ कॉस्ट ऑफ 80,000, 90,000, 100,000, 150,000, $10 लाख का घर $1.5 लाख का मिल रहा था। बंदा $1.5 लाख दे और बोले वो $8.5 लाख का प्रॉफिट। नहीं, आप बुक्स में ऐसा बुक नहीं करोगे। आप ये कह रहे हो कि मुझे आज मार्केट क्रैश कर रही है, मुझे सस्ता मिल रहा है, माय बेट इज कि 6 महीने में प्राइजेस इंक्रीज कर देंगे। तो आज जितने का ले रहे हो उतने में बुक कर लोगे, 6 महीने बाद जितने का बेचोगे उतने में सेल काट दो, जो बीच का जो ट्रू प्रॉफिट है वो आ जाएगा बुक्स में। क्योंकि अभी तो आप क्या कह रहे हो कि परसेप्शन, जो परसेप्टेड अमाउंट है आपका, मेरा परसेप्शन है गुड्स वर्थ ₹10,000 थी। आपने अभी बोला ना कि 50 लाख की बिल्डिंग 20 लाख की मिल रही है, 50 लाख कैसे बताया आपको? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ पड़ोसी का परसेप्शन हुआ 1.5 करोड़ की बिल्डिंग, उसने 20 लाख की ली, तो उसको 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट बिल्ड करना चाहिए। ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे वो तो सारे के सारे परसेप्शन ही है। बस मेरा ख्याल से 1.5 करोड़ की है, ख्यालों ख्यालों में बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं हो रहा ऐसा। जब हम ईवी कैलकुलेट करते हैं उसमें तो मार्केट वैल्यू, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला कि बिल्कुल, मैं तो मान ही रहा हूँ ना। मैंने तो ये पूछा, मुझे बताओ वेल्थ स्टेटमेंट अभी चेंज कैसे होगा? मैंने तो बोला वेल्थ स्टेटमेंट चेंज कैसे होगा। मैं इस बात पे, एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बोला सर मान लो ये धंधा इस टाइम पे मैं बंद कर देता हूँ, जब मैं धंधा बंद करूंगा, ये जैसे ये धंधा बंद करूंगा, जो इन्वेंट्री 9,000 की लिखी गई है, ये इन्वेंट्री की वर्थ ज्यादा होगी, तो ज्यादा मतलब ये ज्यादा वैल्यू पे आ जाएगी। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इस चीज पे? योर वेल्थ स्टेटमेंट विल चेंज लाइक दिस। There is no doubt in the fact that ये जो भी assets हैं, इनकी जो भी book value है, मैं इन सब की market value consider करूंगा। जो liabilities हैं, इसकी जो भी book value है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इन सब की market value consider करूंगा। Market value of assets less market value of liability divide is my net worth। तो वो सिर्फ inventory के लिए क्यों? वो तो सबके लिए ही हो रहा है, वो तो इन सबके लिए ही हो रहा है ना। Yes, no. चले आगे। नहीं पता भाई, दोबारा कवर हो जाएगा, टेंशन ना ले यार। ये तो उतना बड़ा मुद्दा ही नहीं था, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। असली क्वेश्चन तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ मुझे, ये जैसे ही गुड्स परचेज किए मैंने क्रेडिट पे, मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज? आपका जो भी आंसर है आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, बोलना नहीं। ड्यू टू द एक्ट ऑफ परचेजिंग दिस इन्वेंट्री, योर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? जैसे ये गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, इन्वेंट्री बढ़ गई, पेबल्स भी बढ़ गए, वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल क्या था? इन्वेंट्री और पेबल्स दोनों के दोनों बढ़ गए बराबर अमाउंट से, वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज। इंक्रीज डिक्रीज दोनों ऑप्शन गलत थे, फिर क्या हो गया? आप लिख सकते थे व्हाटएवर, इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आया इन्वेंट्री में। अच्छा एक बात बताओ, अगर चलो ठीक है, एक दो चीजें और बाकी उसके बाद करेंगे डिस्कशन। मुझे एक बात बताओ, मुझे धंधे को और ज्यादा एडवांस करना, मतलब आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ माय बिजनेस, मुझे बोलना सिर्फ ट्रू और फॉल्स। लेट्स से दिस इज हाउ माय वेल्थ स्टेटमेंट लुक्स लाइक, इक्विटी 17,000, डेट
15,000, ठीक है, 32,000 रुपए है, लैंड 10,000, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, अच्छा सॉरी, अकाउंट्स पेबल इज 9,000, दिस इज 5,000, इन्वेंट्री इज 12,000, कैश इज 8,000 एंड डेटर इज 6,000. वी हैव 32K ऑन ईच साइड, करेक्ट, 41, 41K, ओके सॉरी, दिस 41K ऑन ईच साइड, करेक्ट. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये अकाउंट्स पेबल को इस साइड ले जाऊं तो माइनस में लिख दूं चल जाएगा, मैथमेटिकली स्पीकिंग तो ठीक ही है. अच्छा एक बात अभी के लिए बात करते हैं जैसा है, सोर्सेज में मेरे जो धंधे में पैसा लगा हुआ है ये किन जगहों से आया है. मैंने खुद के लगाए 17,000, आउटसाइड फंड्स कितने हैं 15, और ये 9,000 के हैं, ये आउटसाइड फंड्स हैं या ओन फंड्स हैं, ये भी आउटसाइड फंड्स हैं. कह रहे हैं आप कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, या तो अपना या तो बाहर का. आउटसाइड ही है ना, दिस इज आउटसाइड फंड्स. अब इसको मैं कह देता हूं ओन फंड्स, इसको मैं कह देता हूं आउटसाइड फंड्स. इन दोनों में क्या फर्क है डेट और अकाउंट्स पेबल में? डेट में पैसे लिए थे, पैसे रिटर्न करने हैं, अकाउंट्स पेबल में माल लिया था, पैसे रिटर्न करने हैं. अभी के लिए तो ब्याज आज छोड़ दो, कोटक के साथ सेटिंग है ना, कोटक कहाँ ब्याज ले रहा है, अभी के लिए ब्याज व्याज नहीं. बट डेट इज वेर आई हैव टेकन मनी, विल रिटर्न बैक मनी, अकाउंट्स पेबल इज माल लिया और पैसे वापस दूंगा, करेक्ट. ओके, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया है, लैंड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इसको आप अपनी बुक्स में नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स नाम से जानते थे, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो बचा जब वो नॉन करेंट है तो कुछ करेंट भी होना चाहिए, है ना, ये करेंट एसेट्स हो गया. नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, तो मेरे पास टोटल धंधे में 41,000 रुपए है, इसमें से 15,000 रुपए नॉन करेंट एसेट्स में लगे हुए हैं, और कितने बचे 26,000 रुपए करेंट एसेट्स में लगे हुए हैं. यस नो श्योर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? मुझे एक बात बताओ, आउटसाइड फंड्स कितने 15 और 9, 24,000 के आउटसाइड फंड्स हैं, ठीक लिखा गलत लिखा, 24,000 के आउटसाइड फंड्स हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं आपने बिजनेस खड़ा करने के लिए कौन से फंड्स बाहर से उठाए, तो 15 और 9 दोनों के दोनों सेम है, क्या मैं इन दोनों को क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल में व्हाट डू यू कॉल कैटेगराइज कर सकता हूं? अब पहली बार पूरी क्लास में कैटेगराइजेशन की बात कर रहा हूं, ये दोनों को एज अकाउंट्स पेबल कैटेगराइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, ठीक है, देखते हैं एक बार दोबारा देखेंगे, चाहे थोड़ा सा प्री मैच्योर उसमें पूछ लिया. मुझे एक बात बताओ, ये तो अभी मैंने कैटेगराइजेशन की है ओन फंड्स और आउटसाइड फंड वाली, करेक्ट, जब यहां पे टाइम बेस्ड कैटेगराइजेशन कर रहा हूं नॉन करेंट और करेंट, तो वैसे ही कैटेगराइजेशन यहां भी करनी चाहिए, नॉन करेंट इज अ लॉन्ग टर्म पीस, करेंट इज अ शॉर्ट टर्म पीस, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना, तो क्या मुझे सोर्सेज में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैटेगराइजेशन नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए. अब मुझे बताओ, इक्विटी को लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करोगे या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म धंधे में पैसा है, ये शॉर्ट टर्म हुआ तो बचेगा. अरे मैं तो बस ऐसे ही
2 दिन के लिए कर रहा हूँ धंधा, बैंक से लोन लेना और कोई काम थोड़ी हमारा, ये तो लॉन्ग टर्म बाय डेफिनेशन दिस इज लॉन्ग टर्म डेट, दिस इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, या डिपेंड्स, ये तो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है ना, हो सकता है मैंने 3 महीने का लोन लिया, सबके जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, वो क्या शॉर्ट टर्म लोन ही तो है ना, वो इस महीने स्वाइप मार दिया अगले महीने चुका दिया वापस, दिस इज शॉर्ट टर्म लोन, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, दिस कैन बी शॉर्ट टर्म दिस कैन बी लॉन्ग टर्म, अभी के लिए मान लेता हूँ ये लॉन्ग टर्म, ये गिवन नहीं है लॉन्ग टर्म है, दिस कैन इधर बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैं मान रहा हूँ लॉन्ग टर्म, मुझे अकाउंट्स पेबल बताओ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सर मैं वापस ही नहीं दूंगा तूने मेरे ऑफिस तूने मेरे वेयरहाउस में माल रखा है, मैं नहीं दे रहा वापस, ऐसा नहीं है दूंगा नहीं, चोर थोड़ी शॉर्ट टर्म में वापस नहीं दूंगा, सर मैंने आपको माल बेचा था, तेरी तकलीफ तूने क्यों रखाया, मैं आया था तेरी दुकान में खरीदने के, तू आया कह रहा सर प्लीज माल रख लो, मैंने कहा मैंने एहसान किया तेरे ऊपर माल रख लिया तेरा, अकाउंट्स पेबल दिस कैन बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये नहीं दिस इज ओनली शॉर्ट टर्म, अच्छा पहले बताओ शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहे हो, या TS गरीवाल में पढ़ा था इसलिए, ऐसा डेफिनेशन ठीक बोली आपने, डेफिनेशन में फंस गए एक जगह मैम, मैं नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैम, और ये उसमें लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ये कोई नया अकाउंटिंग रूल आएगा ना, तो मुझे नहीं पता, नहीं मैं सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैं इसमें खींच भी नहीं रहा थी, जनरली तो ये देखते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में अगर पेपर है तो करंट में टेस्ट करें, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, दिस बाय डेफिनेशन करंट लायबिलिटी, दिस बाय डेफिनेशन करंट लायबिलिटी, मैं कोई बात बताओ, देर आर लिटरली देर आर इंडस्ट्रीज जहां पे ट्रांजेक्शन की साइज 1.5 साल होगी, बोइंग खरीद रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें, तो उसमें क्या नॉन करेंट एसेट में चल जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में चल जाएगा, नहीं जाएगा, दिस इज बाय डेफिनेशन अ शॉर्ट टर्म, दिस बाय डेफिनेशन अ करेंट थिंग, बिकॉज वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल में उसका इफेक्ट आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, द प्रॉब्लम इज अगेन द प्रॉब्लम इज वी नो द वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल, वी हैव नॉट सीन इट इन द एनालिटिकल टर्म, This by definition a current item as far as my limited understanding goes. हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर आप लोग कुछ ऐसे specific कोई point बोल रहे हैं तो 99.9999% sure I'm correct. 10 years back मैं ये समझता था 101%, ऐसा बोल देता. What happens is that as you progress ahead in your career, you make room for the fact that you might be wrong. It's not like I'm not sure about it. At my end, I'm 100% sure. But if I have to stand on it, I'll say I'm This is my viewpoint. हो सकता है मैं कुछ गलत हूँ. I've just become more accommodative. Let's put it that way. Accounts payable is by definition what? Current. तो इसको मैंने लिख दिया current. ये हो गया current liability. ये current liability. ये current asset. ये 9000 अब मैं यहाँ ले जाऊँ. CA minus CL. यहाँ पे add है. यहाँ पे deduct कर दूँगा. -9000. यहाँ क्या आ गया? 32000. 26 में से 9 गया, कितना बचा? ये 17, ये 15, वही 32000. यस नो? ठीक है यहां तक? श्योर? पक्का? यहां तक किसी को कोई फ्रिक्शन नहीं? एवरीवन विथ मी टिल दिस पॉइंट? करेक्ट. अब समझना इसके आगे प्योर फाइनेंस के एंगल से चीजें. इट्स लाइक दिस, आपने जो फंड्स रेज किए मार्केट से, ये जो डेट है 15,000 रुपए का, आई वॉन्ट टू कॉल इट इंटरेस्ट बियरिंग बिकॉज ऑल डेट इज इंटरेस्ट बियरिंग, देयर इज नो डेट विच इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, सारी की सारी इंटरेस्ट बियरिंग डेट ही होती है, बट मैं ऐसा इसलिए नहीं बोलता बिकॉज देयर आर एक्यूट केसेस जहां पे वो निकल जाएगी नॉन, वो व्हाट डू यू कॉल, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग. होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया, नहीं तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, ये वो करके 4 क्लॉजेस निकल जाएंगे, तो मैं अभी के लिए इंटरेस्ट बियरिंग और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपको व्हाट यू कॉल लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ, मतलब जो ट्रू टेस्ट है जो हर जगह मेरे हिसाब से अप्लाई होता है.
अगर आपने पैसा मार्केट से उधार लिया और पैसा रिटर्न करने वाली हो, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सही बोल रहा हूँ ना? जब आपने लोन लिया होगा, जब लोन लिया होगा तो ये क्या, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब बैंक के पास गए, आपने लोन ले लिया, तो दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर यू। इफ यू आर व्हाट यू कॉल हैविंग अ प्लेज, जिसमें आप जूते का माल खरीद के उसको बेचते हो। जो करंट लाइबिलिटी में जो 9,000 रुपए अकाउंट्स पेबल के आ रहे थे, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड में अभी आपको सोर्सेज में दिखा रहा हूँ ना, ये तो सारा का सारा, वो पूरा का पूरा नाम क्या है? सोर्सेज क्या है? वो सोर्सेज ऑफ व्हाट? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना। वो टोटल फाइनेंस अरेंज कहाँ से हुआ है? दो जगहों से, 17 और 15, 32। ठीक है, 32,000 इज माई टोटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये 32,000 रुपए इन्वेस्ट कहाँ किया आपने? दो जगहों पे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में 15,000 रुपए। बाई चांस ये ऐसे सेम आ रहा है, रुको तो छे कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, ये हो गया 18,000 रुपए। ये कितना आ रहा था पहले? पहले कितना किया था? पीपी कितना लिखा था? 5 लिखा था, यहाँ 3 कम कर देते हैं ना, 9,000। ठीक है, देखना मैच हो रहा है ना, 18, 9, 26, 38, 41। ठीक है, मैच हो रहा। कोई भी जीरो कूपन बॉन्ड हो, चाहे कोई भी कूपन बॉन्ड हो, मैम सारा का सारा। हाँ जी जियाद जी, देयर इज नो इंटरेस्ट फ्री लोन, नाम कुछ भी हो उसका, जीरो कूपन बॉन्ड, रिडीमेबल, फटाना ढिमकाना, जो भी हो, सब पे ब्याज है। बिना ब्याज के कौन पैसा दे रहा है? मेरे पिताजी मुझे ना दे, बाकी सब छोड़ो, पिताजी नहीं दे रहे पैसे, और क्या बचा? अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं, आपके पिताजी आपके धंधे में 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो वो गिन के बैठे हैं, 12 लाख तो लूंगा ही लूंगा। वो 12 लाख तो छोड़ दो आप, तो वो मूल और 12 लाख जोड़ के बैठे हैं। आप साल के एंड में चल जाओ कॉलर ऊपर करके, 10 लाख रुपए कमाए, बोलेंगे नालायक है तू, 2 लाख डुबा के आए। ठीक है, तो मतलब इंटरेस्ट तो पिताजी नहीं छोड़ रहे। कौन सा धंधा जिसमें आपके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा? आप कोई भी नाम से बोल लीजिए, आप आगे एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ इंटरेस्ट सब में जुड़ा हुआ है। वो एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से इंटरेस्ट सब में जुड़ा हुआ है। ये 18 और ये है 14। ठीक है, अब सुनना, मेरे जो भी फंड्स हैं बिजनेस के, मैं जब भी इन्हें स्पेंड करना चाहता हूं, तो मैं 3 तरीकों से कर सकता हूँ। पहला, मैं नॉन करेंट एसेट्स ले लूंगा। दूसरा, मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दूंगा। तीसरा, मैं एक्सपेंसेस ही कर दूंगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? मेरे पास जो भी फंड्स हैं, मैं इसके 3 यूज कर सकता हूँ। या तो मैं नॉन करेंट एसेट्स ले लूंगा, या तो मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दूंगा, या तो मैं स्पेंड कर दूंगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, आपके लिए नॉन करेंट एसेट्स में पैसा डाला या वर्किंग कैपिटल में पैसा डाला, इट शुड फील द सेम पेन और इट शुड फील द सेम बेनिफिट। अगर आपको वर्किंग कैपिटल, मतलब जो खुशी लैंड या बिल्डिंग देख के होती है, वही खुशी वर्किंग कैपिटल भी देख के होनी चाहिए, या जो दुख लैंड बिल्डिंग देख के होता है, वही दुख यहाँ भी होना चाहिए। सर हमें कोई इमोशन नहीं आता, आगे की बात कर रहा हूँ, सुनना। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें, अच्छा चलो एक सेकंड के लिए और रोकते हैं इस डिस्कशन को। मैं ना, जैसे इन्वेंट्री, कैश और डेटर, 3 चीजें थी ना, मैं इस इसे मैं वर्किंग कैपिटल कह रहा हूं, मैं इसके 2 पार्ट्स कर देता हूं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है, एनसीडब्ल्यूसी, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है कैश। ठीक है सर, देखो इस ये नहीं पढ़ा था हमने गरेवाल में, तो मैंने कहा बोला कि गरेवाल का रिवीजन करा रहा हूं। मुझे बताओ नॉन कैश वर्किंग कैपिटल कितना होगा? इसी केस में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? अकाउंट्स पेबल कितने के थे? No.
ये 14 आ रहा था ना, 90। अरे यार बड़ा कलेश है, ये भी 9 ये भी 9। एक बार देखना टैली हो रही है बैलेंस शीट, 17 और 15 32, 18 18 और 10 28, चौदह हो रही है टैली। बन गई, चौदह ये है बैलेंस शीट अपडेटेड जो मैंने आपके सामने रखी है, सिंपल। चलो अब मुझे इसमें बताओ नॉन कैश वर्किंग कैपिटल कितना है। सेवन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर दोनों साथ साथ हो सेवन जाएंगे। चलो क्या कर सकते हैं, मेरा मेरी कोशिश होती है कोई भी दो अमाउंट्स एक जैसे ना हो, जैसे मैं 7 बोलूंगी ये 7 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा। ठीक है नो वरीज, इसमें अगर मैं इसे बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो ये कैश 7 सेपरेट आ गया। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल क्या है, इन्वेंट्री प्लस डेटर माइनस अकाउंट्स पेबल, 10 6 16 less 9 7, करेक्ट। अब मुझे बताओ आप किसी धंधे में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, दो बिजनेसेस एनालाइज कर रहे हो आप, बिजनेस नंबर वन बिजनेस नंबर टू। बिजनेस वन में सेम इंडस्ट्री में है दोनों बिजनेसेस, बिजनेस वन में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल हाई है, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी या एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, वर्सेस सेकेंड बिजनेस है जिसमें नॉन कैश वर्किंग कैपिटल बहुत लो है। आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगेगा, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल बीइंग हाई और बीइंग लो? क्वेश्चन को इजी करते हैं थोड़ा, छोड़ो ये तो नया नया पढ़ रहे हैं, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल कैश वर्किंग कैपिटल ये होगा ना, छोड़ो इसको। कह रहा हूँ दो कंपनी सेम इंडस्ट्री में, एक बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स के कंपोनेंट बहुत हाई है, दूसरे वाले में फिक्स्ड एसेट्स कम, अब कौन सा अच्छा लेंगे? फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा, फिक्स्ड एसेट्स में हायर द बेटर, ऐसा ठीक है लिखते हैं अपन इसको। इसमें अपन ने बोला हायर द बेटर, और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में लोअर द बेटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, अभी अरे रिबटल तो देख लेंगे, अभी तुमने जो बोला उसको डिफेंड तो करो। हाँ हायर द बेटर को डिफेंड करो, ये बताओ कैसे। दोनों में से कौन सा धंधा, मतलब विच बिजनेस इज मोर एफिशिएंट, देर आर टू बिजनेसेस, दिस बिजनेस वन, दो बिजनेसेस इनको कंपेयर कर रहा हूँ, मान लो दोनों की सेल सेम है, एक के पास नेट एस, एक के पास फिक्स एसेट्स है 20 करोड़ के, दूसरे के पास फिक्स एसेट्स है 1 करोड़ रुपए के, कौन सा बेटर है, कौन सा एफिशिएंट है ज्यादा, जो जिसके पास फिक्स एसेट्स कम है, और क्यों नहीं होगा सोच के देखो ना। फ्यूचर ग्रुप उठा के एक शॉपिंग मॉल खोलेगी या एक अपना मार्ट खोलेगी किसी शॉपिंग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे, इतना बड़ा एरिया एक्वायर करेगी, अनाप शनाप रेंट पे करेगी, मान लो रेंट नहीं पे कर रही, खुद ओन कर रही है, खुद ओन करके वहां सेल करेगी, ये दिस वन बॉटल ऑफ बिजनेस। सेकंड जेप्टो क्या करेगा, अपने डार्क स्टोर्स ओपन करेगा उल्टी सीधी जगहों पे। हाँ मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन, देयर इज अ प्रोमिनेंट, दिस इज अ प्रोमिनेंट सोसाइटी, वो यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, इसके पास एक मार्केट प्लेस है वहां पे कुछ नहीं करेंगे, उसके पास में कोई शेडी सी जगह होगी है ना, वहां पे मतलब वो कुछ नहीं, चार दीवारी करके लेंटर डलवाएंगे, उनको अंदर में चार क्रेन रखनी है छोटी छोटी वाली, सामान लेके ठक ठक करके बेचे जाएंगे आपको, वो ज्यादा एफिशिएंट है ना, उसने क्या किया, उसको जगह कितने की पड़ी, कॉस्ट ही नहीं है उसकी कोई। उसको दूसरे तरीके समझो, आपकी भी अपेरल स्टोर मेरा भी अपेरल स्टोर, मेरा 250 स्क्वायर फीट का अपेरल स्टोर है, मान लीजिए कोई छोटी जगह का नाम लेते हैं लक्ष्मी नगर में, आई नो ऑफेंस टू लक्ष्मी नगर वाला पीपल, सी है तो लक्ष्मी नगर ही जाना जाता है, ठीक है ना,
सेकेंड इज आई एम डूइंग द सेम सेल्स एज यू आर डूइंग. यू हैव लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी इन सीपी, क्या ही सेल कर रहे हो तुम? किस बात की शिकायत इतनी? इससे तो बढ़िया हम लक्ष्मी नगर में माल निकाल ले रहे. तो एट द एंड ऑफ द डे विच बिजनेस इज मोर एफिशिएंट? जिसमें फिक्स एसेट्स कम लगे. मुझे ये वैसे ये समझाने का मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट दैट मतलब क्रिएट दैट बायस इन योर माइंड कि ऐसा नहीं है कि अपने को द वे वी हैव प्रोग्रेस्ड इन आवर अकाउंटिंग लाइफ इज दैट हमको एसेट ज्यादा देख के बहुत अच्छा लगता है. दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट इट. वी लाइक हायर डेटर्स. इट्स नॉट द वे वी नीड टू थिंक. हायर डेटर्स तो बेवकूफी है ना. जैसे हायर बिल्डिंग ज्यादा वैल्यू की लेके सेम धंधा कर रहा हूँ तो कोई कुछ उखाड़ तो नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट एफिशियंट. सिमिलरली अगर मैं सेम सेल जनरेट करने के लिए मार्केट में अपने पास इन्वेंट्री रखा हूँ 20 करोड़ रुपए की और मार्केट में उधार बांट रखी है 30 करोड़ की, मतलब मेरे पास 30 करोड़ मार्केट से लेना है, 20 करोड़ रुपए वेयर हाउस में माल पड़ा है तो 50 करोड़ का माल पड़ा है वर्सेज माई कॉम्पिटिटर हैज दिस टोटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज एंड ही एंड मी आर डूइंग सेम सेल्स. तो मैं बेवकूफ हूँ? उसने 5 करोड़ लगा के वो काम कर रहा है, मैं 50 करोड़ लगा के कर रहा हूँ, तो मैं क्या खाक कमाऊंगा धंधे से? अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि आपको अकाउंट रिसीवेबल, बाकी सबको छोड़ो, इफ गिवन अ चॉइस यू प्रेफर हायर अकाउंट रिसीवेबल और लेसर अकाउंट रिसीवेबल, सेल सेम रहेगी तो क्या प्रेफर करोगे? लेसर. क्यों चाहिए ज्यादा? कैश में माल बिक रहा है. अमेजोन को इसे क्या वो देता है आपको? अमेजोन पे जब आप माल खरीदते हो क्या आपको क्रेडिट देता है? नहीं. अब आप में से कोई बोलेगा नहीं, वो उसका कोई क्या पोस्टपेड वगैरह का कुछ ऑप्शन आ गया, पे लेटर. हाँ बिल्कुल. कितने टाइम का उसमें पे लेटर? एक महीना. और कितनी परसेंट सेल जाती होगी वहां पे? 5%. क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कम मिल रहे हैं. बोलेगा कार्ड स्वाइप कर अभी, है ना, HDFC का कार्ड लेके आओ. वो COD भी नहीं करने दे रहा. COD पे भी नहीं है उसको. क्या उसको घर पे भी पहुंचने में डाउट है, पूरा पता नहीं मन बदले क्या करे क्या नहीं करे, पैसा अंदर घर पे. तो पीपल डू नॉट इवन वॉन्ट टू गिव यू द क्रेडिट टिल द टाइम द गुड्स आर रिसीव्ड टू योर डोरस्टेप. बोल रहे हैं आज ऑर्डर दे, अभी पेमेंट, अभी ऑर्डर दे, अभी पेमेंट कर, माल कल सुबह भेजेंगे. उसको एक रात में क्या डिस्काउंट देने का शौक चढ़ रहा है? COD में क्यों डिस्काउंट नहीं बताओ? नहीं, तुम अब भी दो पेमेंट. तो दे आर नॉट गिविंग अ सिंगल डॉलर, दे डू नॉट वॉन्ट अ सिंगल डॉलर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. अच्छा अकाउंट पेबल वो बढ़िया है. सैमसंग के पास जाएंगे बोलेंगे जितना माल भेजना भेजते, तेरा जो नहीं बिक रहा फोन वो बिकवाऊंगा मैं. और बिकवाऊंगा मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ रो रहा हूँ. ये सारे लगे होंगे रात में 12 बजे लाइन लगा दी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. वो एक सेल लिख देगा, क्या बोलते हैं उसको, बिग बिलियन डे दिस दैट, सारी दुनिया. हाँ ग्रेट इंडियन, करेक्ट, यस ग्रेट इंडियन सेल. अभी कल क्या था, क्या बोलते थे उसको, ब्लैक फ्राइडे सेल, थैंक्सगिविंग वाली. हाँ ब्लैक फ्राइडे सेल, सारी दुनिया लगी होगी लाइन लगा के. अच्छा और सैमसंग को पैसे देता होगा ये क्या बोलेगा, कितना बेचना है बता. कह रहा मेरा नहीं बिक रहे, 2 वेयरहाउस मिला, कह रहा बस वो मेरे, वो पैसे आ जाएंगे उसके बाद दे दूंगा. तो Amazon किस बेसिस पे वर्क कर रहा है? Amazon इस बेसिस पे वर्क कर रहा है कि मैं अकाउंट्स रिसीवेबल 1 रुपए के नहीं दूंगा और अकाउंट्स पेबल जितना मर्जी तू दे सके. और सिर्फ सैमसंग तो है नहीं, ओप्पो, वीवो, जीवो, जीवी, फलान ढिमकान 500 और बैठे हैं, एप्पल, सारी दुनिया बैठी है देने के लिए सब. तो कुल मिला के Amazon किस बेसिस पे वर्क कर रहा है? नेगेटिव नॉन कैश वर्किंग कैपिटल. नॉन कैश वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हुआ ना अमेजोन का, इस केसेस में बताओ क्या होगा? क्या होगा? इन्वेंट्री, डेटर तो जीरो ही है, इन्वेंट्री और अकाउंट्स पेबल, बस ये दो चीजें मैच होनी है. तो मैक्सिमम होगा तो जीरो हो सकता है, इन्वेंट्री और बराबर बराबर आ जाएगा, और नहीं तो बहुत छोटा आ जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ गिवन अ चॉइस टू अमेजोन दे विल लव द केस इन विच दे ऑलवेज हैव नेगेटिव नॉन कैश वर्किंग कैपिटल. तो ऐसा बोलो ही मत कि नहीं हमको पसंद आती है हायर नॉन कैश वर्किंग. किसी को नहीं अच्छी लगती. अगर आप अपने धंधे से सारा पैसा निकाल सको और फिर भी धंधा उतना ही जनरेट कर दे तो क्या होगा? नथिंग लाइक इट वाला मॉडल है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अ फ्यूचर ग्रुप एंड व्हाट यू कॉल डीमार्ट, क्या फर्क है? वो स्टॉक मेंटेन का. अच्छा वैसे डीमार्ट भी सेम ही है, डीमार्ट इज ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन.
डीमैट में भी क्या फर्क पड़ रहा है, वो भी तुम्हारा कैश फ्लो देख लेते हैं। मतलब आई एम सेइंग नॉन कैश वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इवन दे आर ऑन द सेम लाइंस। वो भी कोक को क्या बोलेगा, रख दे जितना रखना, वो भी कौन सा उस टाइम पेमेंट दे रहा है, वो भी लेता होगा हफ्ते 10 दिन 20 दिन की क्रेडिट, नहीं ले रहा होगा तो वहां पे डिस्काउंट चार्ज कर लेते होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज यू ऑलवेज प्रेफर टू हैव नॉन कैश वर्किंग कैपिटल एज नेगेटिव, बहुत कम एक्सेप्शंस होंगे इसके ऊपर, ठीक है। आपको बिजनेस में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल समझाने की जरूरत ही क्या पड़ी, कैश वर्किंग कैपिटल से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, कैश वर्किंग कैपिटल से क्या इंटरप्रिटेशन। मान लो आपने कैश रियलाइज कर लिया, आपने, मैंने मार्केट में माल बांट रखा है, क्रेडिट पे बेचा था, अब मैं मार्केट में गया, मैंने अपने फंड्स रियलाइज कर लिए, ये अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं यहाँ पे 9 का, सॉरी अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहा है 6 का, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से 2 रुपए की रिकवरी हो जाए, वर्किंग कैपिटल कितना चेंज होगा, हाउ विल द वर्किंग कैपिटल, हाउ विल द वर्किंग कैपिटल चेंज, ये जो डेटर 6 है इसमें से 2 रुपए रियलाइज हो जाए तो वर्किंग कैपिटल कितना चेंज होगा। हाँ, कैश में 2 ऐड हो जाएगा, डेटर में 2 माइनस हो जाएगा, नेट नेट वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट 0 है, एनालिसिस ही नहीं हुआ कुछ, ये कैसा एनालिसिस हुआ। एनालिसिस करने के लिए नॉन कैश वर्किंग कैपिटल इज द पीस दैट यू नीड टू हैव, वैल्यूएशन में आएंगे तब पता चलेगी आगे की क्यों करवा रहा हूं अभी तक, यहां तक क्लियर है। क्लोज करते हैं आज के लिए, done, nothing more to add, आपकी कोई डाउट्स है I'm happy to answer or else done for the day।